ओम शांति। वतन से मोहब्बत इस कदर निभा गए, वतन से मोहब्बत इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जा लुटा गए। जय हिंद, जय भारत की सेना जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उन जवानों की वजह से ही आज हम यहाँ पर अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो चलिए सुनीता, कार्यक्रम के आगे शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल, कॉन्क्लेव 2019 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और हमारे बीच चीफ एडिटर मनोज सैनी जी हैं। पहले मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि कुछ हमारे डीजियाना परिवार के बारे में और इस कॉन्क्लेव के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमारे बीच रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सैनी, चीफ एडिटर बंसल न्यूज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मंच पर इस वक्त मौजूद है आदरणीय सुभा ओझा जी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया की चेयरमैन में, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। तेजेंद्र सिंह साहब हैं, हमारे डीजियाना ग्रुप के MD हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। ग्रुप एडिटर हैं आदरणीय रिजवान जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और DNN के एडिटर इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं स्वागत करूंगा आदरणीय तरुण भनोट जी का, वो भी पहुंच चुके हैं हमारे साथ, आज हमारे गेस्ट भी है। तरुण जी आइएगा मंच पर। तरुण भनोट जी है, मैं चाहूंगा तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। और मैं चाहूंगी कि हमारे बीच मौजूद है इस वक्त तरुण भनोट जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगी के पुष्प गुच्छ के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और मैं चाहूंगी कि रिजान एडिटर वो उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। तो जैसा हम शुरुआत कर रहे थे, आदरणीय वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन के तरुण भनोट जी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने डीजियाना ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि डीजियाना मीडिया समूह है एक ऐसा वर्ता मीडिया समूह है जिसके 3 चैनल DNN, डीजियाना और उसके साथ ही जिस चैनल में आज आप यहाँ मौजूद हैं न्यूज वर्ल्ड, उसकी तरफ से मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन हमारा प्रयास है, हमारे ग्रुप का प्रयास है कि जनता की जो सार्थक बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे और जनता की बातें सरकार तक पहुंचे। तो आज इसी के तारतम्य में हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। दरअसल 2 महीने हुए हैं सरकार को, और उसके बाद से लगातार ये बातें चलती रही, वचन पत्र के जरिए सरकार ने कई सारी बातें कही, लेकिन आज ये चर्चा इस विषय पर भी होगी कि हम कितने कदम आगे बढ़े, क्या सरकार ने जो कहा था बढ़ते कदम की बात कही थी उस तरफ सरकार बढ़ चली है। और इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हमारे बीच जो गेस्ट रहेंगे उनसे हम सीधे सवाल करेंगे, हमारे साथ आप भी मौजूद रहेंगे, आपके सीधे सवाल भी इन तक पहुंचेंगे, और चाहेंगे कि इनसे वो उत्तर भी मिलेंगे जिसके जरिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कदम दर कदम कैसे बढ़ रहा है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा कि मंच पर रिजवान अहमद जी है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान जी, ये एक रस्म थी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, ये एक रस्म थी। अब इस रस्म के साथ जिस तरह से हम अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, मैं अपने साथियों से कहूंगा जल्द से व्यवस्था बनाएं और हम फिर आगे बढ़ जाएं उस चर्चा को। आप समझ सकते हैं ये एक ऐसा समय है, सरकार के पास बहुत से काम है, और किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आम चुनाव की, तो सरकार के मंत्री भी बहुत व्यस्त हैं, आपने भी अपनी व्यस्तताओं के बीच से ये समय निकाला है, और इसलिए हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात करें, इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी। और ये कार्यक्रम, जैसा मनोज जी कह रहे थे कि ये कार्यक्रम बढ़ते कदम है, तो हम प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। सवाल आपके कोई भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बस शर्त एक है कि शालीनता का ध्यान रखिएगा। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा जल्दी से शुरू करें इस कार्यक्रम को। मैं आदरणीय MD साहब से और आदरणीय पाठक साहब से आग्रह करूंगा कि अब हमको अनुमति दें और हम कार्यक्रम विधिवत शुरू करें। मेरे ख्याल से रिजवान भाई आपको अनुमति की जरूरत नहीं है,
हमारे गेस्ट हमारे बीच में बैठे हैं और ये वो गेस्ट वो हैं जिनका समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना समय निकाला है। आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे बीच वित्त मंत्री तरुण भानोत जी मौजूद हैं। उनके बारे में कुछ भी चर्चा करने से पहले और उनसे सवाल पूछने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं उनकी एक झलक। और कुछ देर में आपको एक स्लाइड दिखाई जाएगी। तो कॉन्क्लेव 2019 की अब शुरुआत हो चुकी है और जिस प्रकार से लगातार इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हो रही हैं। हमारे बीच हमारे मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे बीच इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं वित्त मंत्री आदरणीय माननीय तरुण भानोत जी, साथ ही मौजूद हैं आदरणीय शोभा ओझा जी और बस चर्चा की शुरुआत ही हो रही है। और इससे पहले हम एक स्लाइड शो देखेंगे और नहीं है चलिए समय कम है और हमारे आदरणीय मेहमानों की जो समय सीमा है वो भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे बीच वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आदरणीय रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से ग्रुप एडिटर डिजाना समूह साथ ही मनोज सैनी जी से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बढ़ते कदम। मध्य प्रदेश सरकार अभी 2 महीने ही हुए, किस तरह से पहले ही दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेते ही मंत्रालय पहुंचकर किसानों को एक नायाब तोहफा दिया। रोज सरकार काम कर रही है, काम करने का अपना अंदाज है। इस चुनाव में कांग्रेस वचन पत्र लेके आई, घोषणा पत्र नहीं था, वचन पत्र था। और उसने अपने वचन किस तरह से निभाए हैं उसी पर हम चर्चा करने आज यहां मौजूद हैं। और हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के होनहार, ऊर्जावान, युवा वित्त मंत्री हैं तरुण भानोट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया विभाग की चेयरमैन शोभा ओझा जी। शोभा ओझा वो ऐसा चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बारे में पूरे देश में बात करती थी, लेकिन ऐसे समय में वो मध्य प्रदेश आई। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने इन्हें यहाँ आमंत्रित किया और शोभा ओझा ने मीडिया में किस तरह से अपनी बात पहुँचानी है, अपनी पार्टी की बात पहुँचानी है, उसे करके दिखाया, एक शानदार टीम बनाई। शोभा जी आपका ही बहुत थैंक यू। शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। तरुण जी, जब शपथ भी नहीं हुई थी पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि खजाना खाली, और फिर उस खजाने की चाबी आपके हाथ आ गई, कैसा है? खजाना खाली है, कर क्या रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया, यह मौजूद हमारे सभी जो गणमान्य नागरिक यहाँ बैठे हैं आप सबका। मैं तो ये मानता हूँ जो लगातार 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे और जो उनने चुनाव परिणाम के बाद मध्य प्रदेश की जनता की ओर मुखातिब होकर बोला, निश्चित तौर पर वो सही होगा। जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो किसी से भी छुपी नहीं है। लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की निवर्तमान सरकार ने लिया और खास तौर पर जो 2013 से 2018 का दौर था उस दौरान अनुपातिक दृष्टि से कर्जा बहुत ज्यादा लिया गया, उसके रिजल्ट नहीं आए। जिन चीजों के लिए पैसा खर्च किया जाना था और किया गया उसका जो अपेक्षित रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। मैं ऐसा मानता हूँ अगर हम इकोनॉमिकल टर्म्स में देखें तो डैट स्टेट इज सपोज टू बी अ हेल्दी स्टेट। उसकी इकोनॉमी को हेल्दी माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है जो कर्जा लेता है। कर्जा लेना जरूरी है पर उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि जो कर्ज आपने लिया है वो कहाँ खर्च हो रहा है। क्या उससे आप वेलफेयर स्कीम्स जो चला रहे हैं उसका लाभ लोगों को स्टेट के मिल रहा है? जो आप डेवलपमेंट की स्कीम्स चला रहे हैं उसका प्रॉपर लाभ मध्य प्रदेश स्टेट को मिल रहा है? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने स्टेट का कैसे किया जिससे हमारे
जो बेरोजगार है, युवा हैं, खासतौर पर पढ़े लिखे युवा भी हैं, शहरी क्षेत्र के युवा भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी हैं, उनके लिए किस प्रकार का रोजगार का सृजन हुआ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मुझे ये लगता है कर्जा लेने में तो जो पूर्ववर्ती सरकार थी बहुत आगे रही, पर इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए था, उसका जो सदुपयोग होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। कठिन परिस्थितियों में चुनौती मिली, और आपने खुद कहा अपने वक्तव्य में पहले कि हमने एक वचन पत्र बनाया था, हमारे लिए वो वचन पत्र है, वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ, आप गीता कह ले, बाइबल कह ले, कुरान कह ले, उसके समान है। हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, वचन पत्र का पूरी तरह से 5 साल के अपने कार्यकाल में पालन करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ जितनी कठिन चुनौतियाँ उतना काम करने में अच्छा रहता है और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। मध्य प्रदेश की समस्त जनता को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, कैसा भी वित्तीय संकट हो, इससे ज़रूर स्टेट को बाहर निकालेंगे। जो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं वो बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन हो, जो लीकेजेस हैं, जहाँ से पैसे जो जनता के गाड़ी कमाई के राजस्व के रेवेन्यू के रूप में, टैक्स के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं, उनका सदुपयोग हो, और साथ साथ जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए जो डिप्राइव्ड है, वह भी लगातार जारी रहे। और आरोप हम पे हमेशा ये लगा रिजवान जी कि हमारी सरकार ने बहुत सारी जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया, पर मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी स्कीम जो पहले की सरकार चला रही थी हमने उसको बंद नहीं किया है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम बंद नहीं करेंगे, हम रिव्यू कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं, जहां हमें ऐसा लगेगा कि जिन योजनाओं को लाया गया था और उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, पर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे की लीकेज हो रही है, हमारे राजस्व की हानि हो रही है, उसको हम पूरी समीक्षा करने के बाद, हम किसी पूर्वाग्रह के साथ सरकार चलाने नहीं कह रहे हैं। सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत कर्ज दिया है, कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका वेलफेयर में सदुपयोग होना चाहिए। ये सरकार भी बहुत ढेर सारे कर्ज ले रही है, लगातार कर्ज ले रही है, कर्ज माफी आपने एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। इसके अलावा भी रेवेन्यू के स्रोत जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, जो है वो भी उस तरह से उतनी तैयारियां, शायद आपके पास वक्त भी अभी कम है, उतनी तैयारियां नहीं हैं, तो कर्ज कर्ज और कर्ज, इससे मर्ज नहीं बढ़ जाएगा बहुत? देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। सरकार को उन योजनाओं को जारी रखना है जो वेलफेयर की हैं, डेवलपमेंट वर्क्स जो चल रहे हैं उनको जारी रखना है। किसी भी सरकार का ये कर्तव्य होता है कि पैरेलली जितना खर्चा है उतनी हमारी रेवेन्यू भी बढ़े। अब 15 साल, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जिस प्रकार से हमारा उस अनुपात में जिसमें हम कर्ज ले रहे थे, जो हमारा रेवेन्यू बढ़ना था स्टेट का, वो नहीं बढ़ा। आज हम मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर 2 माह से भी कम समय हुआ हमारा सरकार बने हुए, कैसे कर्जों का बोझ और लाद सकते हैं? रेवेन्यू कहां से आएगा? या तो मध्य प्रदेश की जनता देगी टैक्स के रूप में, तो क्या जो हम दे नहीं पाए या जो पुरानी सरकार दे नहीं पाई, वो ऑलरेडी हमको ऐसा महसूस होता है उस पैसे का उपयोग भी सदुपयोग भी नहीं हुआ, हम कैसे स्टेट की जनता को टैक्स कर सकते हैं? और आप जहां तक ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के लिए बोल रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के, जनरेशन कराने के, बढ़ाने के, क्या ये 2 महीने में संभव था? उस 2 महीने में जब हमें एक व्यवस्था प्रदेश की बदलना थी, उस 2 महीने में जिसके बाद तुरंत आप, मेरे को लगता है कि किसी भी दिन अब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, हम कैसे ऐसे कोई कदम उठाते हैं? तो हम समीक्षा भी कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा हर चीज की समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल, जहां गड़बड़ हो रही थी उसको कटौती करने से ही बहुत बड़े रेवेन्यू की बचत होगी। आपसे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा मनोज जी। बिल्कुल, जैसा मध्य प्रदेश की वित्त मंत्री बता रहे हैं कि कितने कदम वो आगे बढ़े, और जिस कर्ज को लेकर मर्ज बढ़ने की बात हो रही है उस पर भी उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो बात रखने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे सवाल उनसे हमारे भी होंगे, जनता के भी होंगे। पर इस सवाल की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं और शोभा जी की तरफ चलता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो लगातार शोभा जी से मुलाकात हुआ करती थी, और कुछ ऐसे सवाल सामने खड़े हुए थे जिसे देखकर लगता था कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई जिम्मेदारी थी तो वो थी कि जनता के पास आपकी बातें कैसे पहुंचे और उसके जरिए मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन पाए। हमें लगता है शोभा जी ने वो बखूबी निभाया, और जब मीडिया के जो चेयरमैन है उसके होने के नाते जो काम उन्होंने किया, शायद आज मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। लेकिन 2 महीने से ज्यादा बीत चुका है,
निश्चित है सरकार कई कदम आगे बढ़ी होगी। तो शोभा जी आपसे पहला सवाल मेरा वही है, पहले आप कहा करते थे कि हम वचन पत्र लेकर आएंगे, पहले आप कहा करते थे कि 15 साल जो सरकार ने किया है उसका हम चिट्ठा खोलेंगे। आपने चिट्ठा भी खोला, सरकार भी आपकी बन गई, वचन पत्र के जरिए जो आपने बातें कही वो भी लगभग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन 2 महीने में कितने कदम आगे बढ़े आप? देखिए सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, मेरे छोटे भाई तरुण जी जैसे बता रहे हैं कि जो एक खोखली एक दीमक की तरह खोखला करके चाट के पिछली सरकार बीजेपी की 15 साल में एक वित्तीय स्थिति सरकार की छोड़ के गई थी, पर जैसा हमने वचन दिया था और हमारा हर एक वचन जैसे तरुण जी ने कहा उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और आते ही साथ कमलनाथ जी ने जिस तरह ऋण माफी किसानों की उसकी घोषणा करी, उसकी और बड़ा कदम उठाया जो कि आदरणीय राहुल जी ने भी वचन दिया था पूरे प्रदेश को, और साथ ही साथ कई ऐसे वचन कि और हम आगे बढ़े जैसे कन्या विवाह में 51,000 रुपये देना, बिजली जो हमने कहा था कि हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे, 1 रुपये 100 यूनिट तक ही 1 रुपये यूनिट बिजली उपलब्ध कराना किसानों को पूरे देश में, 44 पैसे प्रति यूनिट किसान को कहीं भी बिजली इतनी सस्ती नहीं मिलती जितनी मध्य प्रदेश में अब मिल रही है, साथ ही बुजुर्गों की विकलांगों की पेंशन 300 से 600 करना, आगे आने वाले समय में वो 1,000 रुपये हो जाएगी, किसानों को पेंशन देना 60 साल से ज़्यादा उम्र की किसान को 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, युवा स्वाभिमान योजना जो कि बहुत बड़ा एक कदम है युवकों को ताकत देने की, और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ युवक बेरोजगार है, मोदी जी 2014 में वादा कर चुके देश से, एक जुमला देश के युवकों के साथ उन्होंने मजाक किया कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, तो 10 करोड़ युवकों को रोजगार मिल जाना चाहिए था पर वैसा नहीं हुआ, कमलनाथ जी ने ये करके दिखा दिया कि हमने अभी 2.5 से 3 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं युवा स्वाभिमान योजना में, जिसमें 4,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा, साथ ट्रेनिंग में मिलेगी, और साथ ही इन्वेस्टर्स, हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, हमने देखा पिछले 15 साल में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट करे गए, कई डेलीगेशन विदेश गए, करोड़ों रुपया खर्चा किया इवेंट मैनेजमेंट में, पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे मध्य प्रदेश को क्या मिला? पर वहीं कमलनाथ जी ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट एक विश्वास के साथ आता है, सरकार पे जो जनता का और इन्वेस्टर्स का विश्वास होना चाहिए वो नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं आज कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुआ है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आएगा, तरुण जी और आपको बताएंगे, और रोजगार हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की स्थिति ब्रेन ड्रेन की है, यहाँ बच्चा पढ़ लिख जाए तो भी बेरोजगार है और कम पढ़ा हो तो भी बेरोजगार है, तो मध्य प्रदेश में नौकरियां है ही नहीं, तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनौतियों को हम एड्रेस करेंगे, और हमारी सरकार जब 5 साल बाद हम अगली विधानसभा की कगार पे खड़े होंगे तो मध्य प्रदेश एक बदला हुआ एक सशक्त मध्य प्रदेश आप पाएंगे। शोभा जी ये मंच है, यहाँ सियासत की बात नहीं, चूंकि जो हमारा विषय है वो बढ़ते कदम है, लेकिन जाहिर है कि आप जब बैठी हैं तो आप संगठन का नेतृत्व करती है, आप संगठन से आती है, तो सवाल तो एक तरफ आप आगे बढ़ भी रहे, लेकिन 2019 भी सामने है, तो शोभा जी की जिम्मेदारी और कितनी बढ़ जाती है? देखिए एक चुनौती हम पार कर चुके, एक अगली चुनौती जिसमें आदरणीय राहुल जी को ताकत देने की बात है, साथ ही मध्य प्रदेश को ताकत देने की बात है, फिलहाल 29 में से केवल 3 सीटें हमारे पास है, 2 हमने जीती थी, 1 बाय इलेक्शन में हमने जीती फिर झाबुआ की, इस तरह से केवल 3 सीट हमारे पास है, 26 सीट का जिसे कहना चाहिए गड्ढा हमें भरना है, और 2018 का चुनाव विधानसभा का चुनाव हमने वचन पत्र और जनता को विश्वास दिला के जीता था, पर अब जो है 60-65 दिन का जो हमारा काम है वो काम अब बदलाव लेके आएगा, और जनता को जो हमने प्रॉमिस किया था कि वक्त है बदलाव का, वो बदलाव हमने बहुत हद तक कर दिया है, हमारा वचन पत्र 5 साल का है पर उसमें से कई वचन मात्र 60-65 दिन में पूरे हो गए हैं, और इसके चलते प्रदेश की जनता को हमारे पे विश्वास है कि हमने जो कहा वो करेंगे,
2014 के जुमलों से जनता अभी उभरी नहीं है, और जिस तरह से हम चाहते हैं, आज मोदी जी धार में हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी मध्य प्रदेश पे ध्यान दें, आए जिले जिले में मीटिंग लें, जितना वो ज्यादा आएंगे जनता को उनके 2014 के दिए हुए जुमले याद आएंगे, और जनता 60 महीने और 60 दिन का आकलन कर ले, और जब आकलन करेगी हमें पूरा विश्वास है कि जनता लोकसभा में कांग्रेस को ही जिताएगी, जिससे मध्य प्रदेश को ज्यादा ताकत मिल पाएगी, सेंटर का भी हमको ज्यादा सहयोग मिलेगा और हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। शोभा जी, आप चूंकि संगठन है, सरकार की अपनी मर्यादाएं है, अपना काम है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन संगठन की दोहरी जिम्मेदारी है, आप सत्ता भी होते हैं और विपक्ष भी होते हैं जी। इन दो महीनों में आपको क्या लगता है कि क्या चीजें और तेजी से होनी चाहिए? देखिए, दो महीनों में हम समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं, जिसे कहना चाहिए हमारे तमाम, मतलब मुख्यमंत्री जी तो मैं समझती हूँ 24 घंटे उनका बस चले तो वो 24 घंटे काम करें, मतलब सोए भी ना, इस तेजी से वो काम की ओर दौड़ रहे हैं, साथ ही पूरी टीम को लेके दौड़ रहे हैं, और तरुण भाई जानते हैं बहुत अच्छे से कि इनकी भी हालत सबकी पतली हो रही है। बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं कि दौड़ रहे हैं वो, क्योंकि मंत्री जी आ रहे थे, बीच में मुख्यमंत्री जी का फोन आ रहा था कि पहले इधर आ जाइए फिर वहां जाइए। हाँ, क्योंकि वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर है और रिजल्ट में विश्वास करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो इसलिए उनके साथ काम करना बहुत आसान नहीं है, और बिना किसी मतलब लाग लपेट में, बिना किसी प्रचार प्रसार के केवल और केवल काम पे ध्यान देते हैं और रिजल्ट देने में विश्वास रखते हैं, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती। मंत्रियों के बारे में कुछ इस तरह की बात आती है कि कुछ मंत्री तो बड़े अनुभवी हैं, ये शुरुआत है, पहले अवसर है जी। तो कुछ जबान भी फिसल जाती है, कुछ और भी चीजें होती हैं, तो कुछ समझाइश नसीहत वगैरह मुख्यमंत्री जी और आप लोग दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए 15 साल का विपक्ष और 15 साल में प्रताड़ना जो कांग्रेस जनों ने झेली, हर उस व्यक्ति ने इस प्रदेश में झेली है जिसने बीजेपी की विचारधारा को नहीं अपनाया या बीजेपी के झंडे को नहीं उठाया, तो ऐसे में निश्चित ही अभी सत्ता आई है तो अभी भी आप मानिए पीसी भाई जैसे हमारे जो नेता है वो भी सड़क पे आपको पूरे दिन मिलेंगे, जहां जाओगे आपको सड़क पे कार्यकर्ताओं से घिरे मिलेंगे, आप जबलपुर जाएंगे तो तरुण भाई भी कार्यकर्ताओं से, जिसे कहना चाहिए बार बार कमलनाथ जी भी कहते हैं, वो तो इतना घिरे हुए रहते हैं जी कि वो कब अकेले रहते होंगे ये पता ही नहीं। नहीं तो कमलनाथ जी भी यही कहते हैं कि भाई विपक्ष ये नहीं समझ पा रही कि उनसे सत्ता छूट गई है और वो विपक्ष में है, और हमारे लोग नहीं समझ पा रहे कि हम सत्ता में आ गए हैं, तो ये थोड़ा समय लगेगा, पर मैं समझती हूँ तमाम मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि जैसा मैंने कहा कमलनाथ जी के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है, वो मतलब आपको अपने हील्स पे रखते हैं, आपको 6 बजे सवेरे भी मैसेज आ सकता है तो रात के 2 बजे भी मैसेज आ सकता है किसी काम को लेकर। मैं तरुण जी की तरफ वापस लौटेंगे हम, और एक सवाल तरुण जी। भाई साहब, मैं बस माफी चाहते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा, जनता के बीच से कुछ आपसे सवाल है तो कुछ एक दो सवाल आप एक सवाल कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम की कमी है, एक मीटिंग ऑलरेडी मैंने ही बुला रखी है, लेट हो जाऊंगी, इसलिए एक सवाल कर लीजिएगा आप कोई जी। हाँ, आज यहाँ पे मंच पे सत्ता और संगठन दोनों विराजित हैं, मेरा एक निवेदन है, मैं मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ विश्व विख्यात अष्टमुखी प्रतिमा के मंदसौर से बिलोंग करता हूँ, न्यूज वर्ल्ड ब्यूरो शिवपुरी में, वहाँ का मेरा एक निवेदन है, वहाँ पे प्रहलाद बंदवार नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या हो गई थी, उसकी जांच पूर्ण रूप से अभी तक हुई नहीं है, SIT गठित करी सरकार, इसके लिए धन्यवाद है। दूसरा मेरे कहने का है कि वो पद खाली पड़ा हुआ, अभी भी वो पद खाली पड़ा, उसमें कांग्रेस के किसी पार्षद के अध्यक्ष पद की नियुक्ति होना है जो अभी तक नहीं हुआ, 1.5 महीना हो चुका है और आचार संहिता माथे पे आ गई है। अब मेरा ये निवेदन है कि वहाँ 1.5 लाख हो गया सर, 1.5 लाख नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, आप संज्ञान में लाए हैं इस बात को, तो निश्चित ही संगठन की तरफ से हम इसमें जल्द से जल्द नियुक्ति करेंगे, इस बात का आपको आश्वासन। एक और हमारी एक बहन पूछना चाह रही, उसका एक प्रश्न ले लेते हैं फिर मैं विदा चाहूंगी। ये बहन गजाला कुछ पूछना चाहती है, माइक लेके जाइए। जी, मैं नाजिया खान मध्य विधानसभा क्षेत्र से हूँ, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैं एक NGO चला रही हूँ और उसके जरिए आज मेरे साथ 3,000 से 4,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं मैम, और ये बताते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन महिलाओं में जो वैश्यावर्ती में महिलाएं थी, हम उनको निकाल के लाएं, आज वो हमारे साथ काम कर रही हैं सर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि उनको रेगुलर बेसिस पे कुछ काम दिया जाए, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ जो बातें हो रही हैं,
लेकिन प्रॉपर बेस पे प्रॉपर प्लेस पे उनको कुछ दिया जाए जो रेगुलर बेसिस पे काम करे। कभी कभी हम इतने एफर्ट्स करने के बाद हताश होने लगते हैं हमारी टीम, क्योंकि इतना कर रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। तो प्लीज आप, सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप उन बहनों को निकाल के लाई हैं जो राजनीति में इन्वॉल्व थी। तो निश्चित ही समाज में अगर हमको उनके पति सच में हमको उनको निकालना है इससे, तो उनको अल्टरनेट कोई प्रोफेशन से जोड़ना अति आवश्यक है। जी, जी, जी। आपकी बात को मैंने सुन लिया है और मैं जरूर महिला बाल विकास और तमाम दूसरे जो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस पे करें कोशिश कि उन लोगों को वापस रेगुलर बेसिस बिल्कुल कोशिश करेंगे। एक सवाल और पीछे से, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी राकेश जी आप सवाल करते आए हैं करिए। राकेश जी सवाल का गहरा नाता है। सुभा जी आपसे रुक कर पहले भानो जी से। अच्छा नहीं तो अरुण जी से मुझे दो मिनट लगेंगे। भानो जी न्यू इंडिया का नारा तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, कमलनाथ बदलाव की बात कहकर आए हैं, क्या न्यू मध्य प्रदेश की कोई परिकल्पना? देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, नारा देना एक अलग बात है, इंडिया तो इंडिया रहेगा और मध्य प्रदेश भी मध्य प्रदेश रहेगा। नहीं 15 साल बाद मैं 15 साल का खाना कोई एक दिन में खा नहीं सकता, वक्त है बदलाव का। हमारी पंच लाइन थी जिसपे हमने 2018 का मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा था, तो हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, जो नई चीजें हम ऐसी ला सकते हैं जो प्रदेश को एक स्थान दे हिंदुस्तान के मानचित्र में और वैश्विक मानचित्र में, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो हमने अपना वचन पत्र भी बनाया था, अगर ध्यान से जिसने उसको पढ़ा होगा, तो हमने सारे बंधनों को तोड़ते हुए, धर्म मजहब जात पात को तोड़ते हुए, सोसाइटी के समाज के हर वर्ग के लोगों को उन लोगों को लेकर इन्वॉल्व कर वचन पत्र बनाया था। और मैं ऐसा मानता हूं उस वचन पत्र का हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसका हम 100% पालन 5 साल के अंदर करेंगे और आपको मध्य प्रदेश का स्वरूप बदला हुआ देखेगा, और ये सब हमारे लिए गर्व और गौरव की बात होगी, चाहे हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आते हो, और यही हमारा प्रयास है। थैंक यू। शोभा जी नितांत व्यक्तिगत सवाल, महिला दिवस आ रहा है, कांग्रेस ने महिला नेत्रियों को आगे किया है, 4 विकल्प मैं सुझा रहा हूं, अगर 5वां हो तो बताइएगा। लोकसभा चुनाव शोभा ओझा लड़ेंगी, ये कह के नहीं कि पार्टी कहेगी तो, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय, या राज्यसभा में जाना चाहेंगी या कमलनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर, मतलब प्रदेश अध्यक्ष, कहां नजर है? ये 3 हुए, चौथा आपने 4 बोले थे, चौथा मैंने बचा के रखा है सर, बचा के रखा है। लेकिन मंच हो सकता है वो चौथा उनको स्वीकार हो, आप चौथा भी बताओ। फिर मैं हमेशा शोभा जी से ये पूछता हूँ, अब वक्त आ गया ना, बदलाव है, कहां देखेंगी पीसीसी? 2 महीने में आप बदलाव भी करना चाहते, पीसीसी से बाहर कब? जी बाहर कराना क्या, आगे बढ़ते कदम। हाँ राकेश जी ने पूरा मंच लूट लिया। हाँ, बिल्कुल आपने प्रश्न किया और आपने जब जब मेरे से प्रश्न किया मैंने जवाब यही दिया है कि कांग्रेस की सिपाही हूँ, जब कांग्रेस ने मुझे जो जवाबदारी दी पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की है। आपको याद होगा जब मैं महिला मतलब यहाँ मीडिया टीम की अध्यक्ष बन के आई थी, जैसी मैं पीसीसी में घुस रही थी बाहर ही आप लोगों से मुलाकात हुई थी, आपने सबने मेरे से पूछा था शोभा जी डिमोशन या प्रमोशन, तो मैंने यही कहा था कि कोई भी पद डिमोशन नहीं है, कोई भी पद प्रमोशन नहीं है, जब जो जवाबदारी दी पूरी की है। आज पलट के मैं जब देखती हूँ कि मध्य प्रदेश मीडिया हेड की तरह विधानसभा में जो काम किया, तो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं हमारा योगदान है इस सरकार को लाने में, कांग्रेस की सरकार को लाने में, यही हमारे लिए प्रमोशन है। तो इसलिए कभी मांगा कुछ नहीं पार्टी से, पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगी, पार्टी अध्यक्ष बनाएगी तो बनूंगी, पार्टी झाड़ू लगाने को कहेगी तो झाड़ू लगाऊंगी। मतलब आप कांग्रेस की शोभा है? हाँ कांग्रेस की शोभा भी हूँ, कांग्रेस की सिपाही भी हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ एक कार्यकर्ता भी हूँ, कार्यकर्ता का पद वो होता है कांग्रेस की ओझा भी छीन नहीं सकता। ओझा भी है किसी को भी। थैंक यू सो मच। शोभा जी आप जुड़ी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये चर्चा जारी रहेगी। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी सर, सॉरी मैम हमारे बीच से जा रही हैं, तो एक मोमेंटो की एक रस्म अदायगी है, मैं चाहूंगी कि हमारे इंद्र सिंह गुम्मन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और तरुण भानोट जी के साथ हेलो
एंड थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे बीच आए और आपने अपनी सारी बातें रखी। सवाल अभी भी खड़े हो रहा है सिलसिले सर, तो सिलसिला जारी है चर्चा का और सवाल आपके बीच से है। सवाल आप करें, आप अपना परिचय मत दीजिए, आप हमारे बहुत सम्मानी मेहमान हैं। उधर माइक से कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं, माइक सामने दीजिएगा और एक सवाल पीछे से है, पहले वो ले लेते हैं उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जी बताइए। माननीय वित्त मंत्री जी, मध्य प्रदेश में 52,200 गांव है और जन स्वास्थ्य रक्षक की कांग्रेस सरकार ने नियुक्ति करी थी, आज वो बेचारे बाहर हो गए हैं, अभी ना उनको दवाई दी जा रही गाँव में। फिर से बोलिए। मध्य प्रदेश में प्रत्येक गांव में जन स्वास्थ्य रक्षक पूर्व सरकार ने नियुक्ति की थी कांग्रेस के टाइम पे, आज वो 52,000 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ना उनको दवाई दी जा रही है, ना उनको मानदेय दिया जा रहा है। उनको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया था, 500 रुपए मानदेय दिया था, आज तक ना तो उनको दवाई दी है ना मानदेय दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि वास्तु में वित्तीय स्थिति सरकार की बहुत खराब है, परंतु उनको एक बहाली का आदेश कर दिया जाए, ये तो सिर्फ एक आर्डर है, आप इसमें कितनी मदद करेंगे और 52,000 गांव को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, इसको स्वस्थ राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई तो जन स्वास्थ्य रक्षण ने निभाई, तो आप इस पर जरूर विचार करें। आपकी बात आ गई, आपकी बात। धन्यवाद। जो आपकी समस्या है इस पर हम लोग विचार करना शुरू नहीं कर रहे हैं, हम इस पर विचार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मैंने आपसे फिर कहा, वचन पत्र में हमने जो संबंधित हर समस्या के बारे में यह भी उल्लेख उसमें है कहा है, एक बात जरूर आप सबको समझना पड़ेगी जी, हमने एक वचन पत्र बनाया है और मैंने पहले भी कहा हमारी प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने की। आप ये देखें कि 2 माह का लगभग समय सरकार का हुआ है, आप खुद उत्तर देते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई भी सरकार वह योजनाएं जो जन कल्याणकारी चल रही हैं उनको बंद नहीं कर सकती है ना, उसमें तो हमको समय के साथ में और साधन उसके लिए देने पड़ते हैं। विकास के जो कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करना भी जरूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर दोहरा रहा हूँ, जब कोई अच्छा काम करता है, आगे बढ़ता है और लोगों को लगता है कि ये कर रहा है तो उसकी अपेक्षा भी बढ़ती है, तो हम लोगों से लोगों की अपेक्षा बड़ी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि जिस तेजी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी कैबिनेट ने 2 महीने में निर्णय लिए, ये उम्मीद नहीं थी इतना काम इतनी प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों में हम कर पाएंगे, हमने किया। तो आपकी भी आशा बढ़ना स्वाभाविक है, विश्वास कीजिए जो हमने कहा हम करेंगे। अभी तो हम आए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये 5 साल हमें काम करना है और उसके बाद आपका वचन पत्र पूरा करने के बाद अगले 5 साल के लिए भी आपका सहयोग चाहिए। आप भी जल्दबाजी में ना रहें और हमें मजबूती के साथ अपने कदम स्थिर करके चलने में सहयोग करें। मतलब आप काम की शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए भी इन लोग को तैयार करें। देखिए एक बड़ा छोटी सी बात है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक राजनीतिक विचारधारा से आते हैं, हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि जो जनता हमसे अपेक्षा करती है हम उसको पूरा करें। अगर हम उसको पूरा करेंगे, सरकार के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है सत्ता में होने के कारण, और निश्चित रूप से हम भी ये आशा और अपेक्षा करते हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम जब दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो पुनः आपका समर्थन हमें मिले, तो ये तो हमारा प्रयास है और लगातार जारी रहेगा और इस पर हमने काम किया भी है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, शोभा ओझा जी अभी आपको कह के गए, मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, कई लोगों ने सवाल उठाए भाई सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ कर दिया हमारा क्या होगा। किसानों का कर्जा माफ करने के कारण हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है और जो मध्य प्रदेश को समझते हैं वो लोग भी समझते हैं कि हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है प्रदेश की वो 70% हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, किसानी क्षेत्र से आती है। अगर हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, उसके खेत में फसल नहीं लगेगी, नहीं कटेगी और वो बाजार में जाकर उसको उचित दाम नहीं मिलेगा, तो चाहे भोपाल का बाजार हो, चाहे इंदौर का बाजार हो, चाहे जबलपुर का बाजार हो, चाहे हमारे छोटे छोटे जो कस्बे हैं, इसमें पैसा नहीं आएगा। हमें याद रखना पड़ेगा कि हम मध्य प्रदेश कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, हमारा रेवेन्यू का जो 70% जो आता है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों से आता है। इसलिए हमने उस क्षेत्र में ये पहला कदम उठाया और जैसे 1 घंटे के अंदर उनने शपथ लेने के बाद ये किया तो बाकी लोगों को भी महसूस हुआ और एहसास हुआ कि अब जल्दी से हमारा काम भी होना चाहिए। हमने कोशिश भी की और किया भी। युवा स्वाभिमान योजना, शोभा जी आपको बता रही थी, इसका जो स्वरूप है ये शहरी मनरेगा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा चलती थी ये उसका एक शहरी स्वरूप है और इसके पीछे एक सोच है कि हम अगर सबको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते
तो हम कम से कम रोजगार के ऐसे रोजगार के लायक उनका स्किल डेवलपमेंट करें कि वो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जाए, निजी क्षेत्र में जाकर एक अच्छा कार्य पा सके, जिसके 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 लिए उनका स्किल डेवलप्ड है उसमें हम उनकी सहयोग कर रहे हैं, और उस पीरियड के लिए हमने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्टाइपेंड भी दे रहे हैं 4,000 रुपये प्रति माह का। ऐसा इसके पहले हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुआ। 44 पैसे प्रति यूनिट बिजली 10 हॉर्स पावर तक के जिनके एग्रीकल्चर के पंप है, आप पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए, इस दाम पर बिजली हमारे किसान भाइयों को कहीं नहीं मिल रही है। 300 रुपये के लिए दो तीन महीने हमारे वृद्ध असहाय, हमारी माताएं बहनें जो विधवा थी, जिनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट गई या वो विकलांग के रूप में दिव्यांग जिनको नाम दिया गया होते, वो 300 रुपये पेंशन के लिए भटकते थे। हमने वचन पत्र में कहा था इसको बढ़ाकर हम 1,000 रुपये तक करेंगे, और 1.5 माह के 1 माह के अंदर सरकार बनने के हमने उसको 300 से 600 किया। आप इन चीजों को महसूस कीजिए। सरकारी कर्मचारियों से बहुत सारे रिलेटेड मुद्दे थे जिन पर लगातार आंदोलन होते थे, डीए का मुद्दा था, हमने तुरंत किया। ये इसलिए किया कि विश्वास हो लोगों को कि जो हमने कहा वो हम कर रहे हैं, हमने पूरा कर नहीं दिया और जो बचा है उसको भी हम करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। लेकिन विज्ञापन विज्ञापन तो यही है कि जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, तो जो कहा वो किया अभी कर रहे हैं, वो भी करेंगे जो बचा। हमने ये जो कहा कुछ वो किया, हमने ये कहा 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 कि सब कर दिया, ये कहा विज्ञापन दिया। आरती सिन्हा कुछ कह रहे हैं। अभी आपने कर्जा को लेकर बात की है कि ये हेल्दी स्टेट की निशानी है, कर्जा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि पिछली सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, जो जीडीपी बनाया है, चूंकि आप कर्जा जो 3.5% है जीडीपी का, तो आपकी सरकार ने खुद कहा, कमलनाथ जी ने जो कहा कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, सब इन्फ्लेटेड है, सब फिगर्स बताए गए हैं, क्योंकि उनको जीडीपी बताने का उसका 3.5% तक लोन लेने की कैपेसिटी आ जाएगी। आपने उन आंकड़ों को लेकर कहा था कि हम इनकी जांच कराएंगे, और आपने तो व्हाइट पेपर की भी बात की थी, ताकि आप जो हेल्थ की कर्जा लेने की बात की, तो हेल्थ कैसी है स्टेट की, पहली चीज। दूसरा, पहला जवाब दे दो फिर आप दूसरी चीज पूछ लेना। मैं आपने कहा कि व्हाइट पेपर की बात की थी, ये व्हाइट पेपर की बात किसने की थी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। हमने तो व्हाइट पेपर की बात कभी नहीं की, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, ऑरेंज पेपर स्टेट में लोग समझते कितना है, ये तो आप समझते हैं आपके जैसे। उससे बड़ा सर्टिफिकेट स्टेट की हेल्थ का जो पूर्ववर्ती वित्त मंत्री थे उनसे ज्यादा कौन देगा जो 10 साल तक वित्त मंत्री रहे। हमारे साथ में जो स्थिति है आपके सामने है, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी हेल्दी स्टेट की, हेल्दी इकोनॉमी की हम जब परीक्षण करते हैं, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, वो उसकी कर्ज लेने की क्षमता पे होता है। कर्ज किसको मिलता है, जिसकी क्षमता होती है। उपयोगी क्या है और प्रमुख मुद्दा क्या है कि कर्ज जो आपने लिया उसका घी पिया या काम किया। सर, जो आपने बात कही है कर्ज घी लिया, 2012-13 में जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें इसी शिवराज सरकार के बारे में ये कहा गया था, क्योंकि जो आपने भी 51,000 रुपये कन्यादान राशि की है, तो जो एक तो पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं गवर्नमेंट के, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीएजी का कहना है कि जो पैसा मार्केट में प्राइवेट लेंडर से लेते हैं, क्योंकि वो मार्केट रेट पर ले रहे हैं पैसा, इसलिए इनको सिर्फ डेवलपमेंट कामों में खर्च किया जाना चाहिए, ये ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। किसी और से भी सवाल करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, हमने इसकी भी समीक्षा की, हम हमेशा बात ये कर रहे हैं मितव्ययता की बात नहीं, मितव्ययता तो होना ही नहीं चाहिए, हम बात करते वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी, हमारी काकी, हमारी चाची जो घर का बजट भी चलाती हैं हमारे घर में, उसका भी एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं होता है। तो हमारा तो ये है कि वित्तीय अनुशासन लागू होना चाहिए। मान लीजिए आज 1,80,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है, 1,80,000 करोड़ सरकार के सरप्लस खजाने में आ जाए, तो हम उसको वल्लभ भवन के ऊपर से खड़े होकर थोड़ी लुटाएंगे कि हमारे पास तो ज्यादा पैसे आ गए तब इसको लुटा दो। आप एक एक पैसे को कैसे उपयोग कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। कर्ज हर सरकार लेती है, कर्ज तो भारत की सरकार भी लेती है और यूएस सरकार को भी लेना पड़ता है, जो हमारी सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी दुनिया में कहलाती है। हम भी लेंगे, पर हम जनता को उस चीज का हिसाब देंगे कि जो कर्ज हमने लिया उसका उपयोग हमने आपके तरक्की के लिए किया, स्टेट के बेहतरी के लिए किया, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किया, और बड़ी पारदर्शिता के साथ हम सरकार काम कर रही है। हमने अभी एक प्रयास ये किया कि जो पहले
ज्यादा ब्याज की दरों पर कर्ज लिया जाता था, आप उठा के देख लीजिए। इस चालू वित्तीय वर्ष में 16,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया, 13,000 करोड़ का कर्जा हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने लिया और 3,000 करोड़ का कर्जा हमने लिया। आप रेट उठा के देखिए, इंटरेस्ट रेट्स पे कितना डिफरेंस है। जिस रेट पे हमने पैसा लिया, जिस रेट पे पहले सरकार ने पैसा लिया, जो सरकार की सब्सिडरीज है, हमारे डिस्कॉम्स हैं, हमारे अन्य विभाग हैं, उनके जो कर्जे के रेट थे, हमने उसमें आपत्ति लगाई कि ये हमको मंजूर नहीं है, इसको आप स्वैप कीजिए। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो ज्यादा रेट पे कर्ज लिए गए थे, ये हम ऐसी वित्तीय संस्थानों से बात कर रहे हैं कि वो उसको स्वैप करके एब्जॉर्ब करें और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम करे। दिस इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो ये तो सबके ऊपर लागू होता है। तो कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, हम प्राइवेट में भी काम, आप अपनी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कर्जा लेते हैं, टीवी खरीदने के लिए कर्जा लेते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए कर्जा लेता है, कोई बिजनेस करने के लिए कर्जा लेता है, उसको चुकाना महत्वपूर्ण है। चलिए, बड़ी बात यह है कि हमारा खजाना सुरक्षित हाथों में है, आप ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप, हम आपसे सीखते हैं जी, हम आपके बीच में आते हैं, यहां से जाएंगे बहुत सारी नई बातें सीख के जाएंगे, जितना लोगों से इंटरेक्शन होता है वो कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बता के जाते हैं। बहुत छोटे छोटे से जो व्यवसायी हैं, जो ठेले का व्यापार, ठेले पे खड़े होकर खुमचे लगाकर भी व्यापार करते हैं, उनसे भी चर्चा करो तो कोई नया तरीका बताते हैं। तो वी आर ओपन टू एवरीथिंग, वी आर ओपन टू ऑल द इनविटेशन, आप यू ऑल आर इनवाइटेड। सवाल कीजिएगा, वक्त कम है, आते जल्दी से। तरुण जी नमस्कार, और मेरा नाम आरती सिन्हा है। मध्य प्रदेश, मध्य इंडिया में मैंने पहला साउंड हीलिंग क्लिनिक स्टार्ट किया है, लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं, और मैं 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंची हूं, जिसमें विकलांग बच्चों, कैंसर पेशेंट्स, और इसमें हम लोग वर्क करते हैं बिना दवाइयों के, हीलिंग्स और मेडिटेशंस के माध्यम से। और शेयर ये भी करना चाहूंगी कि 14 फरवरी को मैंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है मास मेडिटेशन का, जिसमें हमने 1,500 लोगों ने इकट्ठा मेडिटेशन किया था। मेरा आपसे दरखास्त ये है कि हॉलिस्टिक हीलिंग के लिए आपका क्या बजट है? हम दवाइयों पे तो देखिए बहुत खर्च करते हैं, ये बिना दवाइयों के जो आपके किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों में आप देखें सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है, और वी हैव अ रेडी सेटअप जिसमें हम बिना दवाइयों तक, युवा वर्ग तक, वृद्धों तक, चूंकि ये बीमारियों के लिए भी काम करती है, बच्चों तक, सब वर्ग तक पहुंच सकते हैं। जी, आपकी बात आ गई। आपके सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश की समस्त जनता की ओर से। दो मिनट प्लीज मुझे दें, और मेरी आपसे यही दरखास्त है। वक्त की कमी है, मैं आपको एक शॉर्ट आंसर दे देता हूं। अगर आप, इफ यू आर वर्किंग ऑन, शासन इसमें मदद इस पर कुछ करे, बिल्कुल जरूर जरूर, शासन तो हर उस काम में जो समाज की बेहतरी के लिए है जरूर मदद करेगा। आप अप्रोच कीजिए, जो हमने आपसे पहले कहा कि हम घोषणा या वो नहीं करते हैं। यू कम थ्रू द प्रॉपर चैनल, यू कैन ऑल्सो पर्सनली मीट मी। आई डोंट नो हाउ यू ट्राइड, यू आर इन्वाइटेड, यू कम टू मी, आई टेक यू टू बेटर अथॉरिटीज एंड सॉल्व इट। थैंक यू सर। अभी जो आपने बात कही उसमें मुझे दो चीजें समझ में आई। वन इज कि जो पुरानी सरकार ने लागू करी हुई थी जन कल्याण की योजनाएं, वो आप जारी रखेंगे, नंबर वन आप ये कह रहे हो, जबकि आप सत्ता में आए हो बोलकर कि जिस तरह से लुटाई पिटाई करी थी पिछली सरकार ने, उस तरह की लुटाई पिटाई आप कम करवाएंगे। वी ऑल वोटेड फॉर यू, ठीक है। सेकेंड थिंग मुझे समझ में आ रही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ योजनाएं हम बंद कर देंगे, सो मे बी दैट मीन्स कि लोकसभा चुनाव के तक हम उसको जारी रखेंगे। नो, लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। इफ यू कम आउट ऑनेस्टली ऑन दिस, बिकॉज 200 रुपए यदि आप राशन के लिए, 200 रुपए में आप राशन देते हो हमें उससे तकलीफ है, आप उसके घर के एक आदमी को 15,000 की नौकरी देते हो हमें तकलीफ नहीं है, you know, so we are looking for reforms from you and you have to make your stand clear कि आप क्या करने वाले हैं, उस तब हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। अगर हमें वही भुगतना है जो हम बीजेपी में भुगत रहे थे, so we will not vote. See, let me correct you here. मैंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा था कि योजनाएं जारी हैं, हम अगर किसी भी चीज को बंद करते तो लोग ये बोलते हैं ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदला लेने की राजनीति हम कर रहे थे, इन्हें बंद कर दिया। मैंने आपसे बड़ी ईमानदारी से कहा कि हम समीक्षा कर रहे हैं, और ये बात हम जब वोट ऑफ अकाउंट्स लेके आए थे हाउस के अंदर में, और हमारा थर्ड सप्लीमेंट्री था, तब भी हमने कहा था कि हमने बंद कुछ नहीं किया,
बट वी आर नॉट सेइंग हम इसको बंद नहीं करेंगे. अब मुझे बात सुनो, वी हैव टू आइडेंटिफाई योजना का स्वरूप. अगर किसी ने दिमाग में रख के कुछ बनाया तो अच्छा ही सोच के बनाया होगा, पर अगर उसमें इन्फिल्ट्रेशन हुआ और किसी ने बदमाशी की और कोई रास्ता ऐसा ढूंढा कि उसका सही उपयोग नहीं हो रहा और पैसा वहां से ड्रेन हो रहा है, तो वी हैव टू स्टॉप इट. दैट इज आवर राइट एंड दैट इज व्हाई, लिसन, दैट इज व्हाई यू वोटेड फॉर अस. मनोज साहब, आई डोंट, देन आई कांट, एंड देन आई एम सो सॉरी, आई कांट आंसर यू द वे यू वांट. मनोज साहब, आपसे आप, मैं ध्यान चाहूंगा, आपका बिल्कुल सामने खड़ा हूं आपके. जी 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 जी, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं आपकी, आपके कथन पे टिप्पणी कर रहा हूं. आपने कहा कि आपका नारों में विश्वास नहीं है, बहुत अच्छी बात है. आपने कहा कि मैं नए मध्य प्रदेश की नहीं, न्यू इंडिया की बात कहूंगा, यह भी बहुत अच्छी बात है. और मैं ध्यान देना चाहता हूं कि जैसे यह नारा है और यह नारा दिया है नरेंद्र मोदी ने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने सारे राजनीतिक भेदभाव मतभेदों को भूलकर नरेंद्र मोदी के नए भारत के जो नारे को आगे बढ़ाया है, और मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी भी इसका स्वागत करेगी. पंकज जी, I don't know what was it. मैंने आपकी भावना समझ पाया ना आपका नारा समझ पाया, और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी बात नहीं समझ पाए. मैंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा था, वाई न्यू इंडिया, वाई न्यू मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश भी वही रहेगा जो आदिकाल से था, और भारत भी वही रहेगा. न्यू इंडिया, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी. चाहे मोदी रहे ना रहे, चाहे कमलनाथ जी रहे ना रहे, चाहे तरुण भानोट रहे ना रहे, मध्य प्रदेश वही रहने वाला है, इंडिया वही रहने वाला है. ना ये मोदी से बदलने वाला है कि सिवाय मोदी के कोई बदलाव नहीं हो सकता, ना हमें ये गलत फहमी है. दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. आज मैं यहां हूं, कल हो सकता है आप आ जाए, मेरे से पहले कोई और थे. वी ऑल हैव टू वर्क कि जो सिस्टम है उसको अच्छा करे और लोगों को सुविधाएं दे. मैंने तो पहले भी कहा कि मैं सवाल नहीं कर रहा हूं. नहीं, पर आप भाषण दे रहे थे. मैंने बहुत संक्षिप्त टिप्पणी की अपनी. पंकज जी शुक्रिया, बहुत बैठक किया. पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद. पंकज जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं. आप कुछ कहते हैं? नमस्कार तरुण जी. कहाँ से आवाज आ रही? यहाँ से. नमस्कार तरुण जी, मेरा नाम डॉक्टर. एक मिनट व्यास जी, ये सवाल कर रहे हैं कि वक्त है बदलाव का, क्या ये नारा नहीं है? आप कहते हैं नारों से काम नहीं चलेगा. वक्त है बदलाव का यथार्थ है, बदल गया. नारा कहाँ है? ये तो रियलिटी है, ये तो सत्य है. चलिए, आप कुछ कह रहे हैं, नारा सवाल कर रहे हैं आप अभी 3 महीने पीछे ही चल रहे हैं. सवाल है आपका. मेरा नाम डॉक्टर रीनू यादव है. मैं पिछले 12 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूं. प्लीज, मैं सुन नहीं पाया फिर से. मेरा नाम डॉक्टर रीनू यादव है. मैं पिछले 12 साल से शिक्षा के क्षेत्र में से जुड़ी हुई हूं, और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ मैं रिसर्च का भी काम करती हूं. और अभी अभी इस साल मैं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2019 चुनी गई हूं. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग जो एज अ साइंटिस्ट रिसर्च वर्क करते हैं, उसके लिए जो हमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से जो रिसर्च ग्रांट मिलता है, रिसर्च ग्रांट और ट्रेवल ग्रांट, वो काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है. तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि उस ग्रांट के अमाउंट को बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो 5-6 लाख रुपए का जो हमें अमाउंट सेंक्शन होता है उसमें वो कंप्लीट रिसर्च नहीं कर पाते हैं. तो वो अमाउंट को थोड़ा बढ़ाया जाए. मैं दोनों काम करूंगा. ग्रांट के अमाउंट को बढ़ाया जाए, साथ ही महिला शिक्षा के क्षेत्र में, लाइक आपने बताया कि आप कन्या विवाह के लिए 51,000 रुपए दे रहे हैं, उसी तरीके से कन्या शिक्षा के क्षेत्र में भी लाइक हर फैमिली से कम एक गर्ल एजुकेशन की शिक्षा को फ्री करें. ये मेरा आपसे अनुरोध है. मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा. आप बैठे प्लीज, स्थान लीजिए. धन्यवाद. हम दोनों काम करेंगे. जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो क्या कर रहे हैं हम इसका रिव्यू भी करेंगे, और जो रिसर्च करके समाज को कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, उनकी सरकार और क्या सहायता कर सकती है, ये भी प्रयास करेंगे. रही दूसरी बात, क्यों एक लड़की एक बच्ची हमारे एक परिवार की, मध्य प्रदेश की हर बच्ची को पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, और सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है, काम भी कर रही है. जो कमी अगर होगी और आप उसकी ओर इंगित करेंगे, इशारा करेंगे, हमें बताएंगे, तो हम आपके साथ बैठकर आपकी सलाह को मानकर उसको भी ठीक करेंगे. सर, हमारे बीच दिव्यांग संस्था आरुषि से कमल हमारे बीच है, बहुत देर से अपना सवाल करना चाह रहे हैं. कमल. हाँ जी बिल्कुल. नमस्कार सर. मैं चाहता था कि ये सवाल लखन जी आ रहे थे तो उनसे करते ही. ठीक है, चलिए कर लीजिए. बोलिएगा आप अपना सवाल. बोलिए. नमस्कार सर जी.
मैं कमल भमोरे फ्रॉम आरुषि भोपाल. सर मैं यहाँ दो बातें कहना चाहता हूँ. एक तो क्या है कि मैं खुद पीएससी और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने परीक्षाएं भी दी है. लेकिन क्या है सर कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी जो गवर्नमेंट कोचिंग है उनका थोड़ा सा अभाव है. उनको कोई मतलब मार्गदर्शन देने को नहीं है और जो गरीब फैमिली से रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब गवर्नमेंट कोचिंग्स होनी चाहिए फॉर डिसेबल्ड पर्सन. मैं जवाब देना चाहता हूँ. बेटा आपको बहुत बहुत बधाई जी सर. और ईश्वर करे आप जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं आपको सफलता मिले, आप आगे बढ़े जिससे दूसरों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने. ये बात भी मैं कह रहा हूँ, जिनने हमारे वचन पत्र का अध्ययन किया होगा अच्छे से किया होगा, बारीकी से किया होगा, हमने इस बात का भी उल्लेख किया, नॉट ओनली डिसेबल्ड चाइल्ड, वो तो हमारी प्राथमिकता ही, पर मध्य प्रदेश के हर बच्चे के लिए जो पढ़ना चाहता है और उस वर्ग से आता है कि वो कोचिंग की उसको सुविधा नहीं होती, तो हमने ये भी वचन दिया है कि इस 5 साल के अंदर हम ये व्यवस्था भी लागू करेंगे कि हिंदुस्तान के जो सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे हम मध्य प्रदेश के बच्चों को उनकी बेहतरी के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, जो उनको अवरोध आते हैं उसको क्लियर करने के लिए, जिससे वो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा कर सके, आगे बढ़ सके, हम उनको कोचिंग दिलाएंगे. और मुझे विश्वास है कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में हमारी प्राथमिकता जो है, हमारा वचन पत्र है, उसमें सबसे ऊपर. सर मेरा एक और सवाल है. बेटा अगले उसमें लेंगे आपका सवाल, और समय का समय जाना है मंत्री जी को. दादा जी आखिरी सवाल है. आखिरी सर नमस्कार, उसके बाद फिर जो मंत्री आएंगे उनसे सवाल करेंगे. सर नमस्कार जी. मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जबलपुर संभाग से आते हैं तो बालाघाट, सिवनी, जबलपुर ये इलाके खनिज की दृष्टि से और फॉरेस्ट की दृष्टि से मध्य प्रदेश में नंबर वन है और राष्ट्रीय स्तर पे ये नंबर रखते हैं. तो जैसे मलाजखंड का कॉपर प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, तो वैसे ही फॉरेस्ट का है, तो क्या सरकार इस तरह का कोई प्रस्ताव लाने जा रही है कि इनसे संबंधित रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि वहां का जो कॉपर है वो फिल्टर होने राजस्थान खेतड़ी जाता है, तो यदि वहां पे फिल्टर प्लांट लगता है तो उससे कम से कम 5,000 युवाओं को नौकरी मिलती है. और नौकरी में स्थानीयता को आप कितना महत्व देंगे. होता यह है कि जितनी भी नौकरी होती है उसमें आउटसाइडर्स आकर यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बैंगलोर और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं. देखिए मैम, मैं आपको जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये तो मेरे भी बड़े दिल के करीब है. ऐसा कहते हैं ना कि वो जो घुटना होता है वो पेट की तरफ मुड़ता है. मैं महाकौशल से आता हूँ, संस्कारधानी से आता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि पूरे स्टेट के साथ साथ महाकौशल का भी विकास होना चाहिए. दोनों जो जिन चीज़ों की आपने बात की वो 100% विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, फॉरेस्ट भी और मेजर मिनरल्स की माइनिंग भी. पर आपने देखा होगा कि एक विवाद बनाने की कोशिश की गई थी जब माननीय कमलनाथ जी ने ओथ ली थी और उसके बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया था. मुश्किल से 4-5 दिन हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को 70% तक रोजगार, जो हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे, पहले ही जो उद्योग लगाएंगे, पहले ही दिन कहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तो हम उनको देंगे. तो एक कॉन्ट्रोवर्सी बनाई गई, पर निश्चित तौर पर उनको भी ये महसूस होता है और हमें भी ये महसूस होता है. शोभा जी भी कह के कहीं मध्य प्रदेश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है. हम सब ये चाहते हैं हमारे नौजवानों को और पूरे भारतवर्ष के नौजवानों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले. हमारी प्राथमिकता तो मध्य प्रदेश के लोग पहले हैं. रही फॉरेस्ट से रिलेटेड बात, तो फॉरेस्ट के साथ में मैं ये मानता हूँ कोई एक सेक्टर जिसको हम सही ढंग से डेवलप करें जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू एकदम से तो नहीं पर लंबे समय में देता है और जॉब ओरिएंटेशन नौकरी सबसे ज्यादा देता है, वो है पर्यटन, टूरिज्म. अब तो इको टूरिज्म का बहुत बड़ा चलन है. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए. पहले भले ही हमें लोगों को रियायत देनी पड़े पर अगर उससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है, वहां रहने वाले स्थानीय जो हमारे बेरोजगार है युवा है उनको रोजगार मिलता है और लंबे समय बाद हमारी रेवेन्यू भी बढ़ती है, पहले सरकार को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. तो ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके लिए भी तैयार है. अब रही खनिज, तो खनिज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, दो इश्यूज है खनिज के. एक मेजर मिनरल्स, जो मेजर मिनरल्स सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और हमारे माइनर मिनरल्स जो स्टेट का सब्जेक्ट है. तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि मैं बहुत सारी बात अभी बोल नहीं सकता हूँ एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बिकॉज वी हैव टू प्रपोज देम. तो अभी बोलूंगा तो एक जो हमने शपथ ली उसका भी उल्लंघन होगा. पर हमारा प्रयास ये है
और आपको दिखेगा जब मेन बजट हमारा आएगा पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद में कि माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्शन हमारे यहां हो रहा है, अगर यहां पे उद्योग लगेंगे तो हम उन्हें ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, क्या तैयारी कर रहे हैं, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा जो संविधान की शपथ मैंने ली है उसका मैं उल्लंघन करूंगा। पर हाँ, हम आज जो आपने कहा ये महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ बालाघाट के लिए, महाकौशल के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, कि हम एक ऐसी नीति यहाँ पे उद्योग के रिलेटेड माइनिंग से बनाएं जो हमारे यहाँ निकलने वाला खनिज है उसका उत्पादन भी, उसका एंड यूज भी मध्य प्रदेश में हो, जिससे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के साधन भी बढ़े। थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय नमस्कार, मैं डॉक्टर लता सुरंजलि आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि बहुत सारी योजनाएं आपकी सरकार ने चलाई हैं, कुछ के नाम भी बदले हैं, लेकिन मैं साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, जन जागरण करने का हमारा धर्म है, लेकिन मैं ये साहित्यकारों की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है जब तक हाथ पर काम कर रहा मंचों से जन जागरण करते हैं। क्या कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए आपकी कांग्रेस सरकार की क्या योजना है? मैं आपका नाम एक बार फिर से बताएं, डॉक्टर लता सुरंजलि। डॉक्टर साहब, मैं आपको हमारे वचन पत्र की एक कॉपी रिजवान के माध्यम से आज ही भिजवा दूंगा, जो हमने वचन पत्र बनाया था उसमें हमने आप लोगों के लिए जो वचन दिए हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन इसका क्रियान्वयन हो जाएगा तो आपको जो आपका असुरक्षित भविष्य लग रहा है वो असुरक्षित नहीं रहेगा, बाकी आपका सम्मान भी समाज में और बढ़ेगा, आपकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, उसका लाभ हमें भी मिलेगा और स्टेट को भी मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल तरुण जी, बस एक आखिरी सवाल, अब बस तरुण जी एक आखिरी सवाल है, मुझे मालूम है आपने बहुत समय दे दिया, जो हमने निर्धारित किया था उससे भी आधे घंटे ज्यादा समय आपने दे दिया। एक तरुण भानोट के नाते, एक विधायक के नाते, एक मंत्री के नाते, ऐसा कौन सा वचन है जो सबसे पहले पूरा करने का मन है, और ऐसा कौन सा वचन है जो भी पूरा करने का मन है? अगर ईमानदारी से कहें तो मुझे पता है और मैं डिनाई भी नहीं कर सकता, ये सही भी है कि मैं एक राजनीतिक हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से आता हूँ, पर बड़ी ईमानदारी से ये कहूँ तो मेरा तो मन ये है कि हम पूरे 5 साल के जो वचन हमने दिए हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे करें, सारे करने, वो सारे महत्वपूर्ण है। वचन देने का मतलब क्या होता है? जो महत्वपूर्ण था, जो लोगों ने हमें बताया था, जो मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी, वह हमने वचन पत्र बनाया। ये कोई दो लोगों ने बैठ के कमरे में नहीं बना दिया, ये वचन पत्र जो बना था कांग्रेस पार्टी का, ये आप लोगों ने बनाया था। इसकी बहुत लंबी एक कवायद चली थी, जो लोग इससे जुड़े थे उनको पता होगा ये, कि 2-4 नेता बैठ गए, उनने किसी से कहीं से ले लिया और जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे सत्य है, एक ठोस आधार है, और हम सब वो एक हमारे यहाँ तो कहावत चली आई ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो कोई वचन छूटने वाला नहीं। आपसे चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चौपाई आपने कही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम भी यही उम्मीद करेंगे कांग्रेस सरकार से कि 2 महीने आपके हुए हैं, इससे आगे भी आपके कदम बढ़ते जाएंगे। लेकिन तरुण भानोट ने जिस तरह से बातें रखी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जिस वायदे के साथ आगे बढ़ रही है वो पूरा होगा। मैं आपका मनोज जी एक आखिरी आखिरी बात मैं भी कहना चाहता हूँ, फायदा उठा रहे हो असली में, तरुण जी आपका आपका जबलपुर के हैं, ये हमारे बड़े बचपन के मित्र भी हैं। बस यही कहने जा रहा था, तरुण आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जिस अंदाज में, जिस मजे हुए राजनेता की तरह बातें करते हैं, जब बचपन में भी कुछ इसी तरह की प्रतिभा इनमें दिखती थी, होनहार वीरवान के होत चिकन पात, और तरुण आज जिस तरह से जो तरक्की की है उसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, और एक भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने सारे वचन पूरे करें, इसलिए कि सरकार के खजांची आप ही हैं। आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद, और एक ब्रेक के लिए हम आपसे इजाजत लेंगे। बहुत शुक्रिया, जाइएगा नहीं, चर्चा सर मैं थोड़ी देर के अनुरोध करना चाहूंगी, आप हमारे बीच आए और बहुत सारे सवालों का इतने पेशेंस के साथ जवाब दिया। हमारे बढ़ते कदम न्यूज वर्ल्ड कॉन्क्लेव की तरफ से आपको एक हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं डाइस पर आमंत्रित करना चाहती हूँ सीएमडी सर, एमडी सर को, और
बहुत बहुत शुक्रिया। और यही कहना चाहूंगी कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे छांव सिरहाने लगा के बैठ गए, ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, कहां बबूल के साए में आके बैठ गए। तो राजनीति इतनी भी आसान नहीं होती, और आपके सवालों के जवाब जिस तरीके से आपने पूछे वो भी इतने आसान नहीं थे, लेकिन आदरणीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए, और हमें उम्मीद है कि आप सभी इससे बेहद संतुष्ट हुए होंगे। यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार बढ़ते कदम कॉन्क्लेव 2019 न्यूज वर्ल्ड डिजियाना परिवार की ओर से जारी है। आप अपने सवाल जो है वो तैयार करके रखिए, क्योंकि माननीयों के आने का क्रम लगातार जारी है। तो जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता के सामने अपना वचन पत्र लेके गई थी, उसी वचन पत्र के आधार पे जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के हाथों में सत्ता सौंपी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का घमंड हो गया था कि हमने प्रदेश का खजाना इस कदर खाली कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र को पूरा ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि खजाने में पैसा नहीं बचा है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी ने पहले दिन से ही वचन पत्र को पूरा करने की दिशा में काम किया है। अब ये कहना कि हमारे पास लगभग 2,00,000 करोड़ के कर्जा विरासत में मिला है, हमारी पार्टी सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में केवल 3,000 करोड़ का कर्जा लिया गया, जबकि उसके पहले के 8 महीनों में लगभग 14,000 करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, और वो कर्जा किस लिए लिया ये किसी को पता नहीं चल रहा है, केवल सरकार से जुड़े हुए लोगों के महिमा मंडन और अपना चेहरा छपवाने के लिए प्रदेश का खजाना खर्च किया गया। लेकिन हमारी पार्टी ने जो कर्जा लिया है वो अपने वचन पत्र में किए हुए वायदे पूरा करने के लिए लिया है। जैसे आप जानते हैं कि हमने सबसे बड़ी अपनी जो वचन पत्र में दिया हुआ वादा था किसानों के कर्जा माफी, उस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है। 22 फरवरी से किसानों के खातों में पैसा जाना प्रारंभ हो गया है। तो हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा खर्चा तो इसी वचन को पूरा करने के लिए किया है, उसके अलावा कन्यादान की राशि को 51,000 रुपये किया है, पुलिस कर्मियों के लिए भी हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं, निराश्रित पेंशन को भी 600 रुपये किया है जो आगे जाके 1,000 रुपये किया जाएगा। तो हमारी पार्टी ने इसके अलावा अपने अपव्यय भी रोके हैं जो प्रदेश सरकार में एक परंपरा बन गई थी। आपने देखा है कि बड़ा भारी पैसा विज्ञापनों पर केवल अपने नाम और चेहरा छपवाने के लिए किया जाता था, जबकि कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपव्यय पे रोक लगाई है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये बात सच है कि आपने वादा किया है, वचन पूरे कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी खजाने को भरने की भी होगी, तो इसकी क्या किस तरह से जो आपके कदम आगे बढ़ने वाले उसके लिए एक बजट की जरूरत है, लेकिन कर्ज लेकर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। देखिए, हमारी सरकार मध्य प्रदेश को सही मायनों में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के प्रति वचनबद्ध है, ना कि ऐसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश जो बीजेपी के लोग कहते थे 2,00,000 करोड़ का कर्जा और सभी गलत मामलों में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पे। जिस दिन से हमारी सरकार बनानी है हमारी पार्टी ने उस दिन से काम प्रारंभ किया है। पिछले महीने कमलनाथ जी दाबोस गए, वहां पे अंतरराष्ट्रीय उद्योगपतियों से मिले ताकि मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी कोई उद्योग मध्य प्रदेश में लाए। उसके बाद भोपाल में राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस करी, ना कि इन्वेस्टर मीट, जिस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से इनने करोड़ों रुपए बर्बाद किए और इन्वेस्टर मीट का पैसा तक नहीं निकला, उल्टा 64,000 हेक्टेयर जमीन उद्योगपतियों को दे दी गई और एक भी उद्योग नहीं आए। दूसरी तरफ हमारी सरकार पैसा अव्यय नहीं कर रही है, राउंड द टेबल बैठक करी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश में उद्योग भी आएंगे, राजस्व भी बढ़ेगा और आगे जाके प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। आप देखिएगा, हमें एक व्यवस्था मिली है लेकिन हम उस व्यवस्था को सुधारेंगे और मध्य प्रदेश का राजस्व भी भरेंगे और अपने वचन पत्र के वायदे भी पूरे करेंगे। रवि जी, राजस्व को बढ़ाना कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है, चूंकि बजट खाली है, लगातार हम ये कहते रहे खजाना खाली है और 2019 भी आपके सामने। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, पर जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी का चरित्र जानते हैं कि जन जन से नाता है और सरकार चलाना आता है, हमें मालूम है कि किस तरह से हमें राजस्व में बढ़ोतरी करनी है, किस तरह से जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका पैसा मध्य प्रदेश के लिए जो एलोकेशन है उसको लेके आना है, और ये सब काम इसलिए संभव है क्योंकि 9 बार के सांसद और 13 विभागों के
केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके माननीय कमलनाथ जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कई बार मैंने भी उनसे इस बात पर चर्चा की है और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि सरकार चलाने के लिए फंड की व्यवस्था कैसे की जाती है, ये एक बहुत बड़ा हिकमतदारी का काम है। आप अगर किसी योजना के लिए पैसा मांग रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करना चाहिए, और आप अगर फॉर्मेलिटीज पूरी करके केंद्र सरकार के पास जाते हैं कि ये इस योजना में हमें पैसा चाहिए और इस योजना के अंतर्गत हमें पैसे की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से मिलती है। मैंने भी कई बार दिया है वो पैसा जी। तो मैं समझता हूं कि पैसा लाना, राजस्व बढ़ाना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगले आप 6 महीने में देखेंगे कि जो डेफिसिट है उसको हम बहुत जल्दी उसका की पूर्ति करने जा रहे हैं। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है किसी बजट को पूरा करना और आगे बढ़ाना। अजय, इस बार जो 2018 में आपने वचन किए, लेकिन आपके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती है 2019 की, और पिछली दफा हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की थी, सरकार केंद्र में उन्हीं की है, पर बहुत कुछ बदला है और आपका नारा भी वक्त है बदलाव का, तो क्या इस बार भी ये नारा आगे बढ़े? देखिए मनोज जी, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रदेश की जनता और देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये जुमलों की सरकार है जो केवल जुमले देना जानती है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश, डिजिटल इंडिया, भारत उदय, जबकि इन नारों का जमीन पे कोई आधार नहीं है। मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो सीधे केंद्र सरकार से जुड़े हुए थे, चाहे वो GST का हो, चाहे जो डिमोनिटाइजेशन का हो, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। तो आप ये यकीन मानिए कि लोगों में केंद्र सरकार के प्रति पहले से ही नाराजगी है। जिन लोगों ने 15-15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर आज देश के सामने खड़ी हो गई है, तो वो जनता को अपना हिसाब नहीं देना चाहते हैं, और हिसाब ना देने की बजाय जनता के सामने नए जुमले देना चाहते हैं। आज इन्होंने लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करी, जैसे इनकम टैक्स के रेंज को बढ़ाने की कोशिश, चाहे किसानों के एक ऐसा भत्ता देना 17 रुपए प्रतिदिन, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हैं, जनता सब समझती है। मैं कहता हूं आप किसानों के हित में काम करने के लिए आपने किसान को कितना परेशान किया। हमारी सरकार में यूरिया और फर्टिलाइजर पे हम सब्सिडी देते थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सब्सिडी खत्म करके आपने उसको GST लगा दिया। आपने सभी तरह के पेट्रोलियम पदार्थों पे एक्साइज ड्यूटी में 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए और किसानों की लागत बढ़ाई, और उसके बाद आप 17 रुपए प्रतिदिन का उसको सम्मान दे रहे हैं। ये कैसा सम्मान है आप बताइए? आपने किसानों को दोहरी मार मारी और उसके बाद उसको चुनाव में लाभ लेने के लिए इस तरह का लालच दे रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है, ये अपना हिसाब नहीं दे सकते हैं, केवल जुमले दे सकते हैं, और जैसे प्रदेश की जनता ने इन्हें बदला है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है सरकार, रवि भाई जिस तरह से बातें चल रही है, लेकिन ये लगातार चलता रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तो आपका खजाना खाली है, दूसरा एक किसानों को लेकर आपने जो बातें कही थी, ये ठीक है कि वचन पत्र के जरिए आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं बजट जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है, जिस तरह से सूचना है। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से किसानों का कर्जा माफ करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अभी 6,000 करोड़ रुपए का हमने प्रोविजन किया था बजट में, और 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमने माफ किया है, और उसमें जो बैंक्स थे उन बैंक्स को भी हमने कहा है कि जो आपका NPA है आपको भी उसको वेव ऑफ करना पड़ेगा। तो जो किसान का NPA था उसको भी हमने वेव ऑफ कराया है, और जो 6,000 करोड़ रुपया जो हमने किसानों का, जो सीमांत कृषक है, उनका हमने अभी 2 लाख तक का कर्जा माफ किया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, लगभग 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है, 55 लाख किसानों का हमें कर्जा माफ करना है। आगे आप देखेंगे कि वो भी हम करेंगे, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता है। हमने जो भी काम किया है, कमलनाथ जी की सरकार ने आने के बाद सबसे पहला जो बड़ा काम किया है वो ये काम किया है कि उन्होंने सरकार की विश्वसनीयता जो है उसको कायम किया है, और पूरे
देश में ही नहीं, आप देखें दूर दराज तक इस बात की गूंज है कि मध्य प्रदेश में एक घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया गया। और आज राहुल गांधी जी जो हर सभा में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में और पंजाब में हमने जो कहा वो करके दिखाया, हमारी जो सरकार बनने के लिए हमने आपसे जो वादा किया था वो हमने पूरा करके दिखाया, और जो समय जो स्लॉट हमने मांगा था उससे पहले हमने करके दिखाया। अजय जी, आपका एक नारा था पिछली दफा चुनाव में, कर्जा माफ बिजली हाफ, लेकिन कई जगह से ये सूचनाएं आने लगी है कि बिजली तो पूरी तरह हाफ होने लगी है, ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की बातें कही जा रही, कटौती लगातार हो रही है, जिस बिजली को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे कि मध्य प्रदेश की बिजली अन्य राज्यों में बेच दी जाती है, वही स्थिति फिर निर्मित होने जा रही। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है ये कहना पूरी तरह गलत है कि बिजली हाफ होने लगी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने किसानों का बिजली का बिल हाफ किया है, उसके साथ ही साथ ट्रांसफार्मर जो पुराने खराब थे उसमें भी जो राशि थी उसको भी आधा किया है, ताकि जो खराब ट्रांसफार्मरों की वजह से किसानों को समस्या थी वो भी दूर हुई है। उसकी वजह से पिछले सालों के मुकाबले में लगभग 300% ट्रांसफार्मर ज्यादा सुधारे गए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। और रही बात बिजली बिल हाफ के साथ बिजली हाफ होना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को दिखाई देता है, बाकी पूरे प्रदेश में किसी भी तरह की बिजली समस्या कहीं भी नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, बिजली की स्थिति पहले से भी सुधरी है और बिजली के बिल भी हाफ हुए हैं। चलिए, इस सत्र को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन इस सत्र के बाद लंच के बाद आगे ये सत्र जारी रहेगा, जब दो मिनिस्टर्स हमारे साथ रहेंगे और आपके सवाल उन पर सीधे दागे जाएंगे, आप जो चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम यहाँ विराम लेंगे और लंच लेंगे, लंच के बाद अगला सत्र शुरू होगा जब कुछ मिनिस्टर्स भी हमारे साथ रहेंगे। अजय जी और रवि जी का मैं जी आपको सवाल पूछना चाह रहे थे, माइक दीजिए, माइक संदीप जी, माइक। सर, मैं आप ही को कोट करके कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि जन जन से नाता है और सरकार चलाना आता है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल क्यों लग गए सरकार बनाने में? देखिए, उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। मैं अगर आपको कहूं कि 2008 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी थी जी, और आपको विदित होगा कि 26/11 हुआ और 28/11 को मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे। हमारी 76 सीटें आई थी और लगभग 50 सीटें हम 5000 के अंदर हार गए थे, क्योंकि 26/11 होने के बाद देश का माहौल जिस तरह से बदला, निश्चित रूप से लोगों के मन पर कुछ ऐसी बात हुई, क्योंकि यूपीए में यूपीए की सरकार हमारी थी और केंद्र सरकार पर उसका बहुत, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि झूठ बोलने में उनसे बड़ा कोई माहिर है नहीं, तो उन्होंने उस तरह का एक काम किया जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा। जहां तक 2013 की बात करें, सर एयर स्ट्राइक पे दिग्विजय सिंह भी तो सबूत मांग रहे हैं, तो अगर भी तो सेंटीमेंट का खेला हो जाएगा। नहीं, देखिए, मेरा यह कहना है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो लोग भी वोट मांगते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। सेना का जो शौर्य और पराक्रम है उस पर जो भी राजनीति करेगा उसको मुंह ही खानी पड़ेगी, और जो भी व्यक्ति ये बताएगा कि 250, आज अमित शाह जी कह रहे हैं ना 250, कौन गिन के आया? जब वायुसेना के चीफ मार्शल कह रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात, जब वो कह रहे हैं कि हमने जो टारगेट दिए थे उन्हें हिट किया है, हमने वहां पर कौन मरा, कितनी लाशें गिरी, हमने उनको नहीं गिना है, ये एयर चीफ मार्शल का बयान है। सर, वहीं पर टेलीकॉम का भी एक डाटा आता है ना कि 280 मोबाइल वहां पे एक्टिव थे, तो इसको कैसे नकारा जा सकता है? मैंने आपको कहा कि जब आदमी के, जब लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कालिक पुतने लगती है और उनका झूठ पकड़ा जाता है, तब वो एक और झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए एक दूसरा झूठ सामने आता है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या किसी मोबाइल ट्रैक से कितने आदमी वहां हैं उसकी आप गिनती कर सकते हैं? ये मैं बैठा हूं, मेरे पास दो मोबाइल है,
मैंने यही कहा, एक तो मोबाइल नंबर नहीं आए हैं, दूसरी बात मैं आपको एक कह रहा हूं, मेरे पास दो मोबाइल नंबर है, यहां बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे दो दो तीन तीन मोबाइल नंबर होंगे, वहां पे रिहाइश लोग भी है, वहां पे रिहाइश में भी मोबाइल होगा। तो मैं कहता हूं इस तरह का एक झूठ बोलना का इनका एक काम है, ये लगातार झूठ बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, अपनी नाकामी और अकर्मण्यता को छुपाने के लिए ये तो नेहरू जी तक को दोष देने लगते हैं। तो ये ऐसी पार्टी के लोग हैं, मैं समझता हूं इनका इस तरह की बात ना की जाए। मेरा केवल और केवल एक बात कहना है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति करना है तो भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों और अपनी नाकामी पर करे। रवि जी, सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि इन लोगों ने सारा डेटा छुपाया हुआ है, कितने मरे वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस के पास से इस तरह के बयान आते जाए और आप लोग अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसते जाए। आप फंस रहे, आप मत बोलिए बिल्कुल भी, मेरा आपको बिल्कुल ये है, क्योंकि हम लोग कोई सहन भी नहीं कर रहे हैं इस चीज को। आज की तारीख में यदि मुझे दिग्विजय सिंह साहब से एक चीज पे नाराजगी है तो वो उस पे है जो उन्होंने बोला, मैं आपको सबके सामने बोल रही हूँ। नहीं देखिए, आप जो भी कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि कोई भी जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी जी ने सामने आके कहा कि हमें अपने देश के पायलट्स पर नाज है, अपनी सेना पर नाज है। ये पहले दिन का, वो पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार 15 दिन तक सरकार के साथ खड़ी रही, एक बयान ऐसा नहीं है जो कि इसके खिलाफ गया हो। पर जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेना के शौर्य और पराक्रम पर राजनीति करना चालू की, जैसे मोदी साहब ने जिस दिन हमारे अभिनंदन की रिहाई भी नहीं हुई थी और वो बूथ मजबूत करने में लग गए थे, देश के प्रधानमंत्री का क्या ये दायित्व है? मेरी बात पूरी कर लीजिए, पहले मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूं, ये कोई डिबेट का जगह नहीं है, आपने जो सवाल पूछा मैं उसके जवाब दे रहा हूं। मुझे आप बताएं क्या देश के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य और दायित्व है कि जब हमारा एक पायलट पाकिस्तान की हिरासत में तब हम बूथ मजबूत करने जैसा काम करें? मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। दूसरी बात जो आपने कही आंकड़े की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 300, 400, 450 इस तरह के लगातार, मैं खुद डिबेट्स में बैठा हूं, तीन तीन दिन लगातार मैंने डिबेट की है, एक चैनल कहता है 300, एक कहता है 350, एक कहता है 400, फिर भी हमने सलूट किया, सलाम किया, आपकी बात को माना। पर जब अमित शाह जी ने आके कहा कि 250 लोग आतंकवादियों को हमने मार दिया है, इसका मतलब है कि एक ऐसी पार्टी जिसका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसकी की केंद्र में सरकार है, वो जब आके बयान देता है कि 250 हैं, तो उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि 250 का आंकड़ा उनके पास आया तो आया कहां से, क्योंकि वायुसेना मना कर रही है। चलिए ठीक है, अहलूवालिया जी ने उसको मना किया है, उनके केंद्र सरकार के मंत्री ने, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की राजनीति अगर शुरुआत की है या आंकड़ेबाजी की तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। चलिए ठीक है, ये चलता रहेगा मित्रों, और एक एक ये छोटा सा सवाल ले ली बच्चा जी, मेरा सवाल है सर आपसे कि कारगिल विजय में नचिकेता को 7 दिन लग गए थे भारत में आने के लिए, तो वो एक कूटनीति थी, पर हाल ही की जो हमारी सरकार है यहाँ देश में तो 60 घंटों के अंदर हमारे पायलट को वापस बुला लिया जाता है, तो क्या ये कहीं ना कहीं राजनीतिक और कूटनीतिक जीत भारत की नहीं कहेंगे? मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, पहले बच्चे का जवाब दे दूं फिर आपका भी दूंगा, मैं एक बात उनका जवाब दे दूं फिर आपका भी दूंगा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, आपका जवाब दूंगा। मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मैं रोकना चाहूंगी सर, जिस दिन अभिनंदन जी को छोड़ा गया उसके एक दिन पहले ट्रंप का बयान क्या आया था कि कल भारत में भारतवासियों को एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी, वो खुशखबरी यही थी। थैंक यू वेरी मच। चलिए आप धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, और साथ ही अजय यादव जी आप हमारे बीच आए और सवालों का बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। और इस बीच मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कॉन्क्लेव 2019 में
श्री पीसी शर्मा जी, जनसंपर्क मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजाना परिवार की ओर से, न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से। मैं आपको डाइस में आमंत्रित करना चाहती हूं और साथ ही हमारे बीच जुड़े रवि सक्सेना जी, अजय यादव जी, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से। आज का मतलब आप और मैं एमडी सर से अनुरोध करना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। मैं चाहूंगा चाचा जी भी है उनके लिए भी एक। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सक्सेना सर, साथ ही अजय यादव जी, आप हमारे बीच आए और बहुत ही अच्छे से हमारे पैनलिस्ट का और साथ ही जो यहाँ पर मौजूद जनता है उनके सवालों के जवाब दिए। और न्यूज वर्ल्ड कॉन्क्लेव 2019 बढ़ते कदम, लगातार हमारी ये कोशिश है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो जनता तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और आपके सवाल हम इस माध्यम से ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में पीसी शर्मा जी आ गए हैं। पीसी शर्मा जी जनसंपर्क मंत्री हैं, विधि विधायी मंत्री, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, पधारिए। जिस तरह आप जानते हैं पीसी भाई हमेशा लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, तो इसी उनके लिए एक जोरदार ताली। एक ऐसे जननायक जो हमेशा हर समय जनता के बीच, और हमारे एमडी तेजेंद्र सिंह गुम्मन साहब उनका स्वागत करेंगे। पीसी शर्मा जी, जिन्हें हम सब पीसी भाई कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त की कमी है, हम इस कार्यक्रम को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे, वक्त की कमी है। हेलो, चलिए तो खबरों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। लगातार जिस तरह से चर्चा चलती रही है, हमारा आज का विषय है बढ़ते कदम। सरकार दो महीने में कई कदम आगे बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है, और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जनसंपर्क मंत्रालय की भी होती है। और जनसंपर्क मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी हमारे साथ है, हम लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं और पुनः एक बार अभिनंदन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार। पीसी भाई, पहला सवाल ही यही है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपके डिपार्टमेंट के पास, आपके विभाग के पास। सरकार वायदे करती है, सरकार वचन देती है, लेकिन वचनों को जनता तक पहुंचाना, ये काम आपका है, कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी काम सरकार करेगी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करेंगे, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका काम मैं समझता हूँ पूरी ताकत से और ईमानदारी से चल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, किसानों की ऋण मुक्ति योजना, और 52 दिनों में 26 वचन पत्र की बात उन्होंने पूरी की है, और आज है 5 मार्च को 25 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंच गए हैं आज की तारीख में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया है। और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मंत्री हैं, इनको उन्होंने काम सौंपा था कि आप तहसील स्तर पर जाइए और इस योजना में वहाँ किसानों को आमंत्रित कीजिए और कुछ लोगों को वहाँ दीजिए उनको प्रमाण पत्र ऋण मुक्ति के, और उसके बाद बाकी लोगों को। ये पहली बार होगा कि किसान के अकाउंट में तो पैसा जा रहा है, लेकिन ऋण मुक्ति का जो प्रमाण पत्र अधिकारी और जनप्रतिनिधि उसके घर जाके दे रहे हैं, कहीं उसको चक्कर नहीं लगाना है, उसको घर बैठे पैसे भी मिलेंगे ऋण मुक्ति के, और उसके घर प्रमाण पत्र पहुंचेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और क्योंकि आपने बात शुरू की है, इस चीज़ के लिए बता दूं, अभी भी हम एक मीटिंग से आ रहे हैं, कमलनाथ जी का ये मानना है कि मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान, ये गाँव में बसता है,
और 70% आबादी आज भी गांव के अंदर है, और किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी मध्य प्रदेश की या हिंदुस्तान की इकोनॉमी पोजीशन ठीक होगी। आज मध्य प्रदेश की सरकार और पिछली सरकार बैंकरप्ट करके गई है, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का आज ओवरड्राफ्ट है, कर्जा है, हर एक व्यक्ति जो बैठा है यहाँ पे 35,000 के कर्जे में है, पूरे 7.5 करोड़ लोगों पे कर्जा है। उनका ये मानना है कि ऋण माफी से ये होगा कि अब फसल जब बेचेगा किसान तो उसके पैसा पूरा उसके अकाउंट में आएगा, उससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे उद्योग चलेंगे, जिससे व्यवसाय चलेंगे और ये इकोनॉमी का चक्र चलेगा, तब जाके इकोनॉमिक पोजीशन ठीक होगी। इसलिए बिजली का बिल भी उनका आधा उन्होंने किया है, और 1,000 रुपये 60 साल तक के ऊपर वाले किसान को देने की उन्होंने बात की है। तो ये अपने आप में किसान उन्मुखी कार्यक्रम है और किसानों को मजबूत करने की बात है, जिससे इकोनॉमी स्टेबल हो सके। जी जी किसी जी, दो विभाग आप जनसंपर्क विधि और भी है, विधि और भी है, इन दो महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी, इन दो महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित एक सवाल है मेरा। प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों में प्रोटेक्शन देने की बात है, वकीलों को प्रोटेक्शन देने की और पत्रकारों को प्रोटेक्शन देने की, दोनों को कब तक कर रहे हैं? दोनों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आपने अच्छी याद दिलाई, आज ही जो मेरे साथ में मेरा जो असिस्टेंट आया वो नोट करे कि ये प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो पत्रकारों का है आज ही पूछना है कि क्या स्थिति है उसकी, लेकिन कंप्लीट हो चुका है वो लॉ, हमारे ही डिपार्टमेंट लॉ में उसमें कुछ परीक्षण चल रहे हैं, कुछ जोड़ घटाना जैसे होता है लॉ का वो हो रहा है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर सब कुछ हो गया होगा तो आचार संहिता के पहले इसको लागू कर देंगे, ऐसी संभावना अगर हो गया होगा तो, हर बिंदु पे परीक्षण हो चुका होगा तो। और वकीलों के लिए भी लेके आ रहे हैं हम वकील प्रोटेक्शन एक्ट और पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें हमने सुझाव महिला पत्रकार जो हैं उनसे भी लिए हैं, उनको भी कहा है कि वो इस संदर्भ में अपनी बात रखें कि क्या चीज़ें उसमें की जाना चाहिए। तो ये आएगा, पक्के में आएगा। बिल्कुल, जनता से घिरे रहते हैं 24 घंटे, कुछ आराम करने खाने पीने कुछ समय मिलता है या उस समय भी इसी तरह से? इसलिए कि हम जब भी आपको देखते हैं पीसी शर्मा जननायक और जनता से घिरा हुआ, तो कैसे आप लोगों की बातें इतनी भीड़ में सुन पाते हैं और कैसे उसे कर पाते हैं? कोशिश करता हूं कि सबकी बातें सुनूं और कोशिश भी करता हूं कि जितने लोगों से मिल सके मिलें, उनकी बात को आगे बढ़ाएं, जो फैसले खुद कर सकते हैं खुद करने की कोशिश करते हैं, अगर किसी और से फैसले कराना है तो उनके पास भेजते हैं। और वैसे खाना वगैरह तो ऐसा है कि जनता से मिलो उनके काम हो जाए तो भूख मिट जाती है, इसलिए कोई बिल्कुल एक नेता या जो जनप्रतिनिधि होता है उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जनता का प्रतिनिधि बनकर काम करना होता है, और जनता के प्रतिनिधि के रूप में मुझे लगता है पीसी शर्मा से बेहतर कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि लगातार जनता के बीच में घिरे रहना, और आप कह भी रहे हैं कि जनता से मिलते हैं तो भूख और प्यास सब भूल जाते हैं, लेकिन आप खुद तकनीकी शिक्षा हासिल किए हैं पीसी भाई, और आप उस विभाग के मंत्री भी है, तकनीकी शिक्षा को लेकर जो हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट है वो शिक्षा तो हासिल कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलते हैं, अब सरकार आपकी है तो ऐसी कौन सी शिक्षा के जरिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि जो युवा रोजगार की तलाश में घूम रहा है उसको रोजगार भी मिल जाए, और शिक्षा जो हासिल कर रहा है लाखों रुपए अपने पैसे लगाता है माँ बाप से लेता है लेकिन वो उसको नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो मुख्यमंत्री हैं इनकी हर चीज की शुरुआत युवा को नौकरी और जॉब, ये इनका बिंदु है पहला, और इसके पीछे सब योजनाएं, युवाओं को नौकरी मिले और रोजगार मिले, ये यहाँ से शुरुआत होती है, पीछे सब योजनाएं। और वो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये खुद कॉरपोरेट हैं मुख्यमंत्री जी, और इनके खुद के बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें उन्होंने हर चीज़ को बारीकी से देखा है। और जो मैंने कहा कि किसान ऋण मुक्ति योजना, जय किसान ऋण मुक्ति योजना, इसका बेसिक मतलब यही है कि जब ये किसान की क्रय शक्ति बढ़ी तो उद्योग और व्यवसाय के सामान बिकेंगे,
और जब बिकेंगे तो और इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो युवक और युवती को नौकरी मिलेगी। इसके लिए सबसे पहला उद्घाटन भोपाल में अगर उन्होंने किया है कुछ, तो भोपाल को देश के सभी बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने का काम किया, एयरलाइन से जोड़ने का काम किया। आज भोपाल बेंगलोर हैदराबाद नहीं जाती थी, अहमदाबाद नहीं जाती थी, अब डायरेक्ट फ्लाइट हो गई हैं और डेली आप पेपर में पढ़ोगे कुछ ना कोई फ्लाइट जरूर। उसकी वजह यह है कि वो उनका ये मानना है कि अगर कोई कॉरपोरेट आता है तो उसको आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, सुबह आएगा शाम को जाएगा। डॉस जो गए स्विट्जरलैंड, वहाँ पे भी, वहाँ से भी कैसे इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए कोई उन्होंने इन्वेस्टर मीट नहीं की, सीधे सीधे इन्वेस्टर से बात की। जब इन्वेस्टर्स उनके पास बधाई देने के लिए आए कि उनकी पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स से उनका संपर्क है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बधाई नहीं चाहिए, ये बताओ इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ और कैसे करोगे, कितना करोगे, ये उन्होंने उनसे पूछा। फिर 45 हिंदुस्तान के और मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स को उन्होंने बुलाया और मिंटो हॉल में उनसे बात की, इसकी सीधे टेबल पे, जैसे ये टेबल है आमने सामने, कि क्या क्या आपकी सुविधाएं चाहिए, पूरी आपको मिलेगी ऑन द टेबल। कोई मीट नहीं, कोई इन्वेस्टर मीट नहीं, कोई पंप एंड शो नहीं, इन्वेस्टर को बुलाकर डायरेक्ट उनसे बात की और उनसे कहा कि जो जो सुविधाएं चाहिए वो सब ले जाइए, लेकिन मध्य प्रदेश के 70% लोगों को, युवाओं को आपको रोजगार देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने स्वावलंबन युवा सम्मान योजना जो शुरू की है, उसका उद्देश्य भी वही है जी। 4,000 रुपये स्टाइफंड मिलेगी, आप ताजुब करेंगे कि बीटेक, एमटेक और एमबीए छात्र उसमें आए, वो रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग जिससे कि उनको आगे, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, अगर कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर, जिससे वो सीख सकें और आगे जाके किसी कंप्यूटर इंडस्ट्री में उनको काम मिल सके। तो एक एक चीज उनकी, और एक है छिंदवाड़ा मॉडल। छिंदवाड़ा मॉडल क्या है? छिंदवाड़ा में बाकी विकास तो हुए हैं, हर तरह की तरक्की हुई है, उन्नति हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, ये सब हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है छिंदवाड़ा मॉडल की, कि छिंदवाड़ा के हर एक युवा युवती को छिंदवाड़ा में रोजगार मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है, या देश में मिला है, या विदेश में मिला है। ये है छिंदवाड़ा मॉडल, जो कि वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि हर युवक युवती को रोजगार मिले। पीसी शर्मा जी, विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री कहीं दौरे नहीं करते, आप कह रहे हैं हवाई कनेक्टिविटी हो गई, सब तरह की चीजें हो गई, मुख्यमंत्री दौरे नहीं करते हैं। आज गए विदिशा, आज गए विदिशा, उसके पहले टिमरनी आए थे, उसके पहले बैतूल गए थे, सिंह बहुत दौरे करते थे, हर जगह जाते थे, बार बार जाते थे, और मुख्यमंत्री दौरे नहीं करते, सवाल ये है कि जिस तरह का मध्य प्रदेश खस्ता हालत में हुआ है 15 साल में, आज उसमें उस मैनेजमेंट की आवश्यकता है कि 2,00,000 करोड़ जो मैंने बताया कि इतना कर्जा ओवरड्राफ्ट है, और ये काम भी करना है, तो ये जो मैनेजमेंट कि इतने किसानों का कर्जा माफ, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, और कितनी ही इनकम हो उनके पिताजी की 51,000, दूसरा वहाँ 300 से 600 किया है अभी वृद्धा पेंशन, तो ये इन सब में जो पैसा लग रहा है इसका मैनेजमेंट, ये केवल आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश चल रहा है और फाइनेंशियली जो स्थिति है, ये केवल मुख्यमंत्री जी का ही मैनेजमेंट है, जो इस तरह के मैनेजमेंट उन्होंने बहुत किए हैं और जिसकी वजह से आज वो स्थिति है। इसलिए आज बैठकर उस चीजों का मैनेजमेंट करना है उनको, सबसे पैसे, जिससे ये सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक हो, और उसके अलावा उनके डेली कहीं ना कहीं यात्रा होती, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अभी जब मैंने कार्यक्रम कराया था टिमरनी हरदा जिले में, बैतूल जिले में हुआ, आज विदिशा गए हैं, रेगुलर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम था कर्मचारियों का, कर्मचारियों के कार्यक्रम से अभी हम लोग आ रहे हैं, कार्यालयों के भी काम कर रहे हैं और दौरे भी कर रहे हैं। जनता के बीच से कुछ सवाल है, कुछ लोग सवाल जी आपने। मैं सर कुरवाई डिस्ट्रिक्ट विदिशा से आबिद खान और न्यूज वर्ल्ड का एक सदस्य हूं। इसके साथ साथ मैं राजनीति में भी दखल रखता हूं, इसलिए आपसे खास तौर से ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रदेश किसान कांग्रेस में महामंत्री के पद पे हूं और आपने बात शुरू की थी तो उसमें आपने सबसे पहले और हमारी कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले किसान ऋण माफी की योजना की बात की है और करते हैं। सर सोशल मीडिया के माध्यम से
हमें देखने को मिल रहा है और हमें सुनने को आमने सामने भी मिल रहा है, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, किसानी क्षेत्र है। आज जिस तरह से ऋण माफी के प्रमाण पत्र पहले भी कार्यक्रमों में थोड़ा जल्दी कीजिए, इतना लंबा सवाल में जो कार्यक्रमों में जो प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं सर, उनमें जो 2 लाख रुपए तक के हमारे सरकार की ऋण माफी की बात थी, कई ऐसे प्रमाण पत्र हमारे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं जिनके 2,000, 5,000, 10,000 और 20,000 के प्रमाण पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से विरोधी पार्टियां डाल रही है, जिससे कि किसान असमंजस में है और आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसके बारे में आप क्या कहें? कैसे किसान नेता हो भैया, आज विदिशा गए हैं वहां पर और आप यहां बैठे हुए हो, आपको वहां होना था। पहले मैं बीच में हूं सर। आबेद नहीं, आपका जवाब यह है कि ये सोशल मीडिया में कोई भी चीज है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने खुद 1,95,000, 1,99,000 ये प्रमाण पत्र दिए। उनसे पूछा पैसा आ गया, उन्होंने कहा आ गया। तो ये सब भ्रामक चीजें, पैसा सब आ रहा है। आज पता लगा लो 25 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा जा चुका है और ये प्रक्रिया सतत चलेगी। हो सकता है ये आचार संहिता में रुके, लेकिन जैसे ही वोट डल जाएंगे, वोट डलने के अगले दिन से फिर शुरू हो जाएगी। ये घड़ी के कांटे की तरह है। अभी आप पता लगाओगे कितने हैं तो पता लगेगा कि 24,500 हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद पता लगाओगे कि 24,800 हो गए। ये सतत प्रक्रिया है, कंप्यूटराइज सब सिस्टम है। अकाउंट में जिसको पात्र हो गया है उसके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। और इसलिए भ्रामक प्रचार से बचो, सोशल मीडिया पे मत जाओ, ये मीडिया इतना बड़ा बैठा हुआ है, इस पे जाओ। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र जैन जी, मैं एक पत्रकार के रूप में आपकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून आप ला रहे हैं। आपने ये भरोसा दिलाया है ये घोषणा नहीं है, ये वचन पत्र है। वचन पत्र है। लेकिन अभी आपने मंच से कहा है कि हो सकता है आचार संहिता से पहले इसे लागू कर दिया जाए, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि चूंकि ये कानून है उसके लिए विधानसभा सत्र आवश्यक है, क्या इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू करने पर विचार कर रहे हैं? नहीं, इसमें यह है कि उसकी जो मैंने बताया ना प्रक्रिया पूरी हुई, अगर कंप्लीट हुआ तो ये भी कर सकते हैं। पत्रकार सबसे अहम स्तंभ है, इसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। वचन पत्र में एक बात और लिखी थी, अधिमान्यता वालों को सरलीकरण किया जाएगा और बीमा की राशि न्यूनतम की जाएगी पत्रकारों के लिए। ये बीमा वाला मामला है, इसमें कुछ फैसले हमारे हुए हैं और पत्रकारों के जो संख्या थी मकान आवंटन की उसकी भी संख्या हमने बढ़ाई है। जो पैसा एक्सीडेंट या उस पर मिलता था अलग अलग उनपे, उनको भी हमने बढ़ाया है। ये एज ए मिनिस्ट्री हमने सब पास कर दिया है। ये सब चीजें एक्चुअली उसमें गई हुई हैं वित्त मंत्रालय को, और वहां से जैसे ही उसकी सहमति मिल जाएगी तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको पूरा करेंगे। और अधिमान्यता के मामले में सरलीकरण किया जा रहा है, उसकी बहुत जल्दी जो पत्रकारों की कमेटी बनती है उसकी भी हम बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे और उसी के हवाले कर देंगे कि जो कमेटी है पत्रकारों की वही इस सब चीजों को फाइनल करे। जी आप पूछेगा। नमस्कार सर, मैं पिछले 12 सालों से उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप MBA, M.Pharm, M.Tech के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हैं जिनको 4,000 रुपीज मिलेंगे। नहीं, करा नहीं रहे हैं। ये योजना जो है जिसमें 6 लाख लोग को लाभ मिलेगा, तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है भोपाल में वो इस तरह के लोग हैं भी हैं, M.Tech और MBA वाले, B.Tech MBA वाले। तो ये मतलब जो कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब है और जो बात कही गई थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल केंद्र सरकार के द्वारा, 10 करोड़ हो जाते अगर उनको दे देते तो। हाँ, और 15 सालों में न जाने कितनी इन्वेस्टर मीट हुई लेकिन एक को रोजगार नहीं मिला। हाँ, मेरा इस विषय पे ये कहना है कि जैसे M.Tech MBA वगैरह के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी फीस पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको जॉब कितने की मिलती, 8,000-10,000 मैक्सिमम। मेरा ये कहना है कि आप रोजगार बढ़ाने के साथ साथ उनका जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे उनका जो 8,000 या 10,000 मिल रहा है जो कि वो डिजर्व नहीं करते क्योंकि दे आर रियली वेरी हाईली क्वालिफाइड M.Tech स्टूडेंट्स, PG डिग्री है, MBA स्टूडेंट्स, तो उनके आप स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, उनकी सैलरी स्टैंडर्ड्स को?
सैलरी मैंने बताया ना, पूरी बात वही की हमने। मुख्यमंत्री जी का ध्येय शुरुआत रोजगार और नौकरी से है, और ये जो इन्वेस्टमेंट आएंगे, ये जो उद्योग आएंगे, खेती आधारित उद्योग आएंगे, और जब उद्योग ज्यादा आएंगे और नौकरियां कम होगी तब जाके वो उसकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी। अभी मैं कॉलेज में गया था राधा रामन का, वहाँ नौ लाख तक के पैकेज हैं वहाँ हैं। ये डिपेंड उस पर भी करता है कि कौन सा कॉलेज कैसे परफॉर्म कर रहा है। बेहतर कॉलेज होगा तो उसको बेहतर पैकेज मिलता है, लेकिन पैकेज जब ही बढ़ेंगे जब नौकरियां कम हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में ज्यादा आ जाएगा, जिसके लिए कमलनाथ जी काम कर रहे हैं। आप कुछ पूछना है पूछिएगा, और फिर बच्चे हैं यहाँ कुछ स्टूडेंट भी बैठे उनसे। मंत्री महोदय, मैं रविशंकर श्रीवास्तव धार से डिजाइना ग्रुप से ही न्यूज वर्ल्ड चैनल का जिला ब्यूरो हूँ। हमने एक चीज देखी है कि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग पोर्टल के माध्यम से कुछ चलाते हैं और उन पर कोई कार्यवाही करने का कोई निर्देश या आदेश वगैरह नहीं है क्या? वो लोग अश्लील टिप्पणियां करते हैं या वो करते हैं अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, किसी एक पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए बना लेते हैं, जिसकी शिकायतें भी होती हैं, उस शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। और जब पुलिस में जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आप लोगों के लिए मानहानि का दावा बनता है, आप कोर्ट जाइए, लेकिन उसके बाद भी उस पर जब अश्लील टिप्पणियां होती हैं तो उसके लिए कोई नियम या कानून नहीं है कि पोर्टलों पर प्रतिबंध लगाया जाए? पोर्टल को लेकर बोले, पोर्टल को लेकर आपका सवाल है कि आजकल जिस तरह से पोर्टलों का कुछ पोर्टल बिना रजिस्ट्रेशन के जो पोर्टल चल रहे हैं, तो क्या उस पर कोई जनसंपर्क नियम है? इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई भी वो करेगा तो आप इसके लिए साइबर जो क्राइम है उस पर रिपोर्ट होती है और एक्शन होता है। नहीं मैं ना, आपका सवाल आ गया, ये युवा कुछ है, आप करो रिपोर्ट, देखते हैं कैसे कार्रवाई होती है। नहीं हो रही है कार्रवाई। मैंने जो डीआईजी इंदौर में है उनको, वरुण कपूर जी को शिकायत की थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुझे बताना वो। अब आगे बढ़िए, कुछ 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 युवा सवाल करना चाह रहे हैं, युवा बीच में है, समय बहुत, इधर इन युवाओं को दीजिए जी, बताइए, समय कम है, ये अंतिम दो सवाल होंगे उसके बाद निकलना सर है। हाल में ही केंद्र सरकार ने किसान समृद्धि योजना का शुरुआत किया है, जिसके तहत हर किसान को, देश के हर किसान को लाभ मिलेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान इससे क्यों चूके? मध्य प्रदेश के किसान इससे क्यों चूके? कौन सी योजना? किसान समृद्धि योजना जो अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है, वो 6,000 रुपए साल वाली? हाँ। नहीं तो क्यों छूटेंगे? वो तो जो किसान लेना चाहे ले सकता है। वो लिस्ट तो भेजी ही नहीं गई है सर मध्य प्रदेश। इनका सवाल, इनका सवाल ये है, लिस्ट कौन भेजेगा? केंद्र की सरकार, ये राज्य की सरकार भेजेगी। चलिए माइक दे दीजिए किसी और को। नहीं नहीं जवाब दे दीजिए आप, एक मिनट जवाब। ऐसा है कि लिस्ट भेजने का कहीं कोई सिस्टम नहीं है, ये तो यहां से लेके केंद्र सरकार तक किसानों का जो है पूरा बायोडाटा है, पूरा डाटा है, डाटा सिस्टम में वो उठा के डाल दें 6,000 रुपए साल, केंद्र सरकार डाल देना, डाटा है पूरे, कोई चिन्हित करके देंगे क्या कि इनको देना, जो लिस्ट आएगी उसी को देंगे? चलिए केंद्र सरकार ने ये तो डाटा है, डाटा सिस्टम से लें और सबके अकाउंट में डाल दें। चलिए अपना सवाल कीजिएगा और माइक आगे बढ़ा दीजिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्वविद्यालयों में बहुत सारे जो जनसंपर्क विभाग के अंदर विश्वविद्यालय आते हैं, माखनलाल जैसे विश्वविद्यालय, तो अभी एक ही आता है, एक ही। हाँ जी, तो क्या जीरो उस शैक्षणिक सत्र को सत्र नहीं मानेंगे, उसको जीरो ईयर घोषित कर देंगे, उस समय की पढ़ाई जो है छात्रों की उसका उन्हें नुकसान होगा उस समय। वहाँ पढ़ते होंगे? हाँ, ये लोग माखनलाल, ये वहाँ के माखनलाल के हैं जी। मेरे पास ऐसा कोई वो आया नहीं अभी जीरो सत्र करने। सर आप मंत्री जी से अगर ऐसा कोई मामला है तो ला के दीजिए। कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? फाइनल ईयर के, आप मेरे संज्ञान में लेके आइए। वहाँ दरअसल वहाँ पीसी भाई कोई शिकायतें हुई थी, कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी जिसको लेकर सरकार, शायद जिस तरह की बातें चल रही है, ऐसा हो सकता है कि उस सत्र नहीं, उसमें नए कुलपति वहाँ पे वाइस चांसलर बन गए हैं दीपक तिवारी जी, आप उनसे संपर्क में आइए, मैं उनको बोल दूंगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर नमस्कार,
मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाह रही हूँ. हमारे यहाँ किसान बहुत सारी खुदकुशियां कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. हमारा आप लोगों का बहुत अच्छा एक आयाम आया है आध्यात्म विभाग. इसके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि इसके मेडिटेशंस को हम लोग आगे बढ़ाएं और बच्चों में जन चेतना और विस्तार करें, ताकि यंग एज से बच्चे बड़े होकर एक स्वस्थ नागरिक बन सकें, आशावादी बन सकें. मैं प्रशासन से मदद चाहती हूँ. मेरा एक क्लिनिक मैंने यहाँ स्टार्ट किया है जो मध्य भारत का पहला साउंड हीलिंग क्लिनिक है, जिसमें हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं. 14 फरवरी को हमने 1500 बच्चों के साथ एलएन सिटी कॉलेज के आध्यात्म विभाग से ये काम चल रहा है. ये पंचायत स्तर पे इसके होते हैं जी. और हमारे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं पारंगत इसमें जी, वो जाके वहाँ को करते हैं. अगर आपके एनजीओ को और किसी को उसकी सहायता की जरूरत है निश्चित किया जाएगा. आप लिख के दीजिए. थैंक यू. और वहाँ भेजेंगे. और जो बात आपने कही है किसान जी, पिछले 3 महीने में जब से सरकार बनी कमलनाथ जी की, मुझे तो एक भी किसान की सुसाइड का मामला दिखा नहीं. बिल्कुल सर. और इसको और बेहतर कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि जो युवा है, ये पूरा काम कमलनाथ जी का इसी 2 पॉइंट पे चल रहा है कि युवाओं को रोजगार मिले और किसान मजबूत हो. तो अगर उसको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया और उसका घर ठीक से चलने लगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई सुसाइड करेगा. इसी लाइन पर पूरा काम चल रहा है. और बाकी जो है आध्यात्म विभाग, वो जो आपने बताया, इस तरह के जो एनजीओ आएंगे आगे, उनको पूरी मदद करेंगे. एक बालिका सवाल करिए. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर. मेरा नाम सदा सिद्दीकी है. मेरा क्वेश्चन फार्मर्स की लोन वेविंग स्कीम के ऊपर था कि कुछ लोन्स जो मतलब कुछ लोगों के जो लोन्स हैं कुछ फार्मर्स के, उनके 25,000 के 26,000 के लोन है, लेकिन सिर्फ 5 या 13 रुपए उन लोगों को मिल रहे हैं. तो ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई फार्मिंग लोन वेविंग स्कीम? ये सवाल आ चुका है. ये सवाल आ चुका है. वही सवाल ये है कि जो इन्होंने पूछा था, कि इधर से पूछा था आबिद ने, कि जितना 2 लाख रुपए आपने कहा है, लेकिन कुछ लोगों को 1200, कुछ लोगों को 1500. नहीं, इसमें क्या है, जैसे 3 बैंकों से ले लिया आपने, अगर ए बी सी 3 बैंक है, पंजाब नेशनल से, कोऑपरेटिव बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया से, तो ये 2 लाख तक का 3 बैंकों से भी होगा, तो एक एक करके होगा. वो उसमें सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक का करेंगे. कोऑपरेटिव बैंक का इसलिए करेंगे कि ये सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही ये लोन इनका खत्म होगा, तो ये पैसा कोऑपरेटिव बैंक में जाएगा, और कोऑपरेटिव बैंक में जाएगा तो कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होंगे. जो इतना पैसा कभी भी कोऑपरेटिव बैंक में आज तक नहीं आया, और उसकी वजह से भी किसानों को और बाकी जो लोग हैं हितग्राही जो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हैं, उनको फायदा होगा. आप कुछ पूछ रहे हैं? नमस्कार पीसी भाई, मैं विगत 20-22 वर्षों से आपको जानता हूं. आप जैसा राजनेता भोपाल में शायद कोई दूसरा हो, क्योंकि आप जनता के साथ हमेशा मिलते रहते हैं, चाहे कितनी भीड़ हो आप मिलते रहते हैं. और मैं आप सिर्फ एक प्रश्न करना चाहूंगा. आप जनसंपर्क विभाग के मुखिया हैं, और उस विभाग के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर कोई भी काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो पाता है. तो क्या आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता और जिस तरह के आप हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जनसंपर्क में जो अभी तक दाग लगा हुआ है, जो छवि लगी हुई है, उसको आप खत्म करेंगे और जनसंपर्क को पीसी शर्मा जैसा बनाएंगे. मैं आपसे ये उम्मीद चाहता हूं. निश्चित तौर पर ठीक कहा आपने. इसको जितना भी सुधार संभव होगा उसको किया जाएगा, और उसमें आप लोगों की और मीडिया की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे ठीक किया जा सके. जी नमस्कार, मैं आनंद सब्धानी हूँ. मुझे मालूम है कि पुरानी जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं किसानों की सरकार थी. हमारे मुखिया भी किसान थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत किया, और आपकी सरकार भी कर रही है. लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी सरकार कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की भी सरकार है, और उद्योगों के लिए काफी अच्छा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है. लेकिन अभी एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, कुछ भ्रांति सी है, वो मुझे जवाब उसका चाहिए, कि आज हमारे मध्य प्रदेश में एक अनपढ़ व्यक्ति को अगर हम भत्ता दे रहे हैं तो 184 रुपए दे रहे हैं, और एक पढ़े लिखे बेरोजगार को अगर भत्ता दे रहे हैं तो 129 रुपए दे रहे हैं. ये कैसा गणित है, मैं समझ नहीं पाया. नहीं समझा नहीं मैं. जो आप अभी बोल रहे हैं कि 4,000 रुपए प्रति माह हम दे रहे हैं लोगों को, सम्मान राशि दे रहे हैं बेरोजगारों को, तो 4,000 के हिसाब से सम्मान राशि है ना ये, तो उसको भत्ता ही मैं मानता हूँ. नहीं भत्ता क्यों माने, 30 रुपए होता है ये, तो सम्मान राशि है. जब तक उसको कोई नौकरी मिल जाए. आपके यहाँ जैसे कोई पढ़ के आए और आप उसको रख लो वहाँ पे सबदानी, वो है ना आपका तो कोचिंग जी, बिल्कुल सबदानी कोचिंग जी. तो सबदानी कोचिंग में उसको रख लो, तो लोग कहते हैं
लोग कहते हैं इधर पेमेंट बड़ा कम मिलता है वहाँ, लेकिन पढ़ाई अच्छी है आपकी। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि जो आते हैं पढ़ाने के लिए उनको बहुत जो मिलना चाहिए, हाई क्वालिफाइड लोग आते हैं आपके यहाँ जब तो आपके यहाँ सिलेक्शन होता है, लेकिन उनको कम मिलता है, लेकिन उनको सम्मान आप ज्यादा दे रहे हैं ना, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है उसमें। और ये 4,000 रुपए का स्टाइपेंड जब तक है जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाए, और कुछ जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे उनको आपके यहाँ ही भेज देंगे हम, आपके यहाँ कर लीजिए उनको अपना। और ये सरकार इसलिए है उद्योग की और इसकी किसान की, किसान और उद्योग, ये चोली दामन, मैंने इतनी बात कही, चोली दामन का साथ है। किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उद्योग के सामान बिकेंगे, ट्रैक्टर बिकेंगे, दूसरी चीजें बिकेंगी, और उद्योग जब ही चलेगा जब जो 70% गांव में बैठा हुआ किसान उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, ये चोली दामन का साथ है, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ाएंगे तो ही उद्योग चलेंगे, और उद्योग चलेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सभी उधर से एक सवाल है जी, लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल, एक सवाल ये आखिरी। आप और पास आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पास में। हेलो, मैं प्रणाम करती हूँ आदरणीय पीसी शर्मा भाई साहब जी को कि उनका समाज में हमेशा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग हम सबको मिला है, पर मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने जो पेंशन की राशि बढ़ाई है वो स्वागत योग्य और धन्यवाद हम सब बुजुर्गों की तरफ से आपको, आपकी सरकार को है, लेकिन अगर जो हमारे वो बुजुर्ग जो हमारी समाज से मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं, अनाथ हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं, क्या हम उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान समाज में ला सकते हैं कि उनको कोई परिचय आपके माध्यम से मिल सके, क्योंकि कई बार अगर हम उन बुजुर्गों को स्टेशन से या आप लावारिस स्थिति में उठाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आते हैं, इनका परिचय बताइए, ये कौन है, पर वो भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। मैं आपसे एक निवेदन चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करिए कि वो हमारे स्तंभ, वो हमारे वट वृक्ष जो हमारी समाज की सुविधाओं से, सरकार की सुविधाओं से किन्हीं कारणों से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए अगर आप एक छोटा सा प्रयास हमारे उन माता पिता के लिए करेंगे तो मुझे लगेगा वास्तव में एक बहुत सराहनीय कार्य आपकी सरकार ने किया है। और एक परिचय पत्र के माध्यम से अगर आप वो कुछ परिचय पत्र हमें प्रदान करते हैं तो निश्चित ही हमारे भोपाल और मैं तो कहती हूँ मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से अनेकों वृद्ध माता पिता हैं जो आपके सहयोग से अच्छा जीवन जी पाएंगे। आप जैसी संस्था को लाना पड़ेगा, आप भाई साहब मुझे, मैं 25 वर्ष से काम कर रही हूँ, मुझे किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है, मुझे सामाजिक जो हमारे बंधुजन है, आप दीजिए लोगों की किनका परिचय पत्र बनाना है, परिचय पत्र बनवा देंगे, एक छोटा सा ये कार्य अगर आप करेंगे तो हमारे बहुत सारे निश्चित बहुत धन्यवाद। चलिए, एक वादा पूरा कर दिया पीसी भाई ने, आखिरी सवाल है और फिर। जिस प्रकार पत्रकारों को मेडिक्लेम योजना लागू की गई है इसी प्रकार अधिवक्ताओं के लिए भी हो जाए, और साथ ही सरकारी कर्मचारी अभी जो मेडिकल रीएम्बर्स लेते हैं उनके लिए भी अगर शासन इस तरह की कैशलेस स्कीम लागू करेगी तो वो लाभान्वित भी होंगे और सरकार को भी फायदा होगा उस चीज से, कैशलेस मेडिक्लेम। फायदा कैसे होगा? फायदा अभी वो रीएम्बर्स करते हैं खर्चा, उनको 2-3 महीने बाद मिलता है और बिल्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, अगर उनकी योजना में शासन भी कुछ हिस्सा करेगा तो उनको फायदा होगा और शासन कुछ इस तरह की स्कीम आ रही है और उसमें और एडवोकेट को भी मिले भाई साहब, चल मिट इस तरह की कुछ स्कीम आ रही है उसमें पूरा विचार किया जाएगा। भाई साहब चलिए, ये बहुत ही जरूरी सवाल है भाई साहब। नहीं अब कोई होगा नहीं। चलो फिर भी अखिलेश कर लो, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, क्या होता है जो मध्य प्रदेश की पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित का नाम लेकर लोकसेवा केंद्रों को जो खोला गया है, इन लोकसेवा केंद्र पर गरीबी रेखा के राशन कार्ड का फॉर्म भी 10 रुपए और 5 रुपए का दिया जाता है जो कि अनुचित है, और ये पूरे 52 जिलों में जहाँ जहाँ लोकसेवा केंद्र है वहाँ ये कार्य हो रहा है और ये लूट है एक तरीके से, ये लूट सेवा केंद्र बनाकर जो लोग गए हैं इसके लिए ये उन लोगों को इसका पैसा मिलता है, लोक सेवा केंद्र को जब भी वो एक फॉर्म भरते हैं उस पर उन लोगों को बकायदा सरकार की ओर से राशि मिलती है, धन मिलता है,
पर ये मैं बहुत विशेष अनुरोध करूंगा कि लोक सेवा केंद्रों में सारे फार्मों को फ्री बांटा जाए, ये तब मैं समझता हूं कि हमारे पत्र में यह किसान का मामला हो, युवाओं का हो, गरीबों का हो, हर जगह लोक सेवा केंद्र जो वचन वचन पत्र में जो बात कही गई पूरी होगी। जी भाई साहब जी चलिए, ये जो भाई साहब ने बात की है नहीं बीच में नहीं बार बार नहीं चलिए नहीं कोई कोई नहीं कोई कोई ऐसा ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा बीच में, अनुशासन बना के हो गया हो गया, समय नहीं है पीसी भाई। एक सवाल, ज्यादा से ज्यादा भूमि पूजन करें और अगर सरकार आपके उसमें अरंग लगाती है तो आप जमीन पे आए, ये भारतीय जनता पार्टी, तो इस बारे में आपका कहना बताइए। इसका ले रहे ये उनको कहने दो जो कहते हैं, जो जायज होगा जो शासन का जो नियम होंगे, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी सरकार उसी हिसाब से काम करेगी। पीसी भाई समय पूरा हो गया था लेकिन एक दिव्यांग बच्चा है आपसे अंतिम। नमस्कार आदरणीय मंत्री जी, मैं कमल भमोरे आरुषि संस्था की तरफ भोपाल से, मेरा आपसे मतलब दो एक एक सुझाव या प्रश्न जो आप कहें कहिए। एक तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए जो सीधी भर्तियां अब नहीं निकल रही है, और वो निकलती भी है तो सिर्फ विज्ञापन के तौर पर निकल जाती है लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं होती। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ, मैं कई जगह भर चुका हूँ उसमें नहीं लगी है, ये एक बात। और दूसरा जो युवा स्वाभिमान अभी आपने जो लॉन्च की है तो इसमें वो जो स्थानीय जो स्वशासन के अधिकारी होते हैं उनको बहुत डाउट है कि वो जब मैं अपना वेरीफाई कराने गया डॉक्यूमेंट तो मुझसे पूछने लगे कि हम आपको क्यों रखे और हम आप क्या काम करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो थोड़ा सा मैं आपसे। कौन से अधिकारी ने कहा ये, किस अधिकारी ने आपसे लिख के दो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये सबके लिए है, उसमें एक मिनिमम जो है जो पांचवी पड़ाव होना चाहिए उसका एज का वो है 25 साल तक का, तो उसमें अगर आप हैं तो होगा। और जो विज्ञापन निकलते हैं उसमें लोग पहले से काम करते रहते हैं वहाँ और उनको ही वहाँ एब्जॉर्व कर लिया जाता है, इसलिए ये होता है। लेकिन वचन पत्र में आप लोगों के लिए जो बात कही गई है उसको हम लोग पूरी करेंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद कृषि शर्मा जी, आप हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगी हमारे बीच। एक रस्म है हमारी, उस रस्म को भी हम अदा कर लें। सर थोड़ा सा समय लेते हुए आरुषि संस्था से हमारे बीच कमल और सचिन जी आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, आपके कर कमलों से उन्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं। एक बार सभी से अनुरोध करूंगी एक बार जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें, सचिन जी और कमल हमारे बीच हैं जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए आरुषि संस्था बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रही है। और कमल जी ने सवाल भी बहुत अच्छे किए और राजनीति में दुष्यंत जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि हाथों में अंगार लिए सोच रहा हूं, हाथों में अंगार लिए सोच रहा हूं कि कोई तो मुझे अंगार की तासीर बताए। तो इसी प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर ज्वलंत सवाल आप सभी ने किए और आदरणीय मंत्री साहब पीसी शर्मा जी ने बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए। एक बार न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से, डिजाना परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्क्लेव 2019 लगातार जारी है, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, आप सभी के सवाल पुनः लिए जाएंगे। और एक बार पुनः से आदरणीय पीसी शर्मा जी, जनसंपर्क एवं विधायी मंत्री, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, धन्यवाद देती हूं कि आप हमारे कॉन्क्लेव में शामिल हुए।
और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार न्यूज वर्ल्ड में बढ़ते कदम कॉन्क्लेव 2019 जारी है। मंत्री देंगे आपके सवालों का सीधा जवाब। सरकारी योजनाएं कितनी सफल, उनका आप पर कितना असर। एक मंच पर होंगे हम, आप और सरकार, विकास की ओर बढ़ते कदम। न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश देखिए 5 मार्च दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक। स्थान होटल पलाश भोपाल। पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नरम और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई पे सख्त, हाथों पे नरम। पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया, जिसमें है नीम और नींबू के प्राकृतिक गुण जो करे बैक्टीरिया का सफाया और दे हाथों को सुरक्षा। कपड़े हर दिन न्यू पिंच। पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी। बिजली का प्लस है, अगर है तो उसका किस तरह से उपयोग करेंगे, उसका कैसे संयोजन करेंगे, किस तरह से आपकी क्या योजना। देखिए अभी हमारी जो मांग है, एक तो बिजली सरप्लस जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि बिजली सरप्लस का अर्थ क्या है। इसको हमको डिवाइड करना पड़ता है पर कैपिटा मांग में। हमारी बिजली की पर कैपिटा मांग क्या है और जो हमारी आज की बिजली की पर कैपिटा मांग है उसके अनुसार हम बिजली सरप्लस की स्थिति में हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में पर कैपिटा मांग यही रहेगी, क्योंकि ये बढ़ रही है। जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ रही है। जिसके घर में कूलर लगा था वो एसी लगा रहा है, जिसके घर में एक टीवी था वो 2 टीवी खरीद रहे हैं, जिसके यहाँ 4 बल्ब जल रहे हैं 6 बल्ब जल रहे हैं। तो हमें इसको लगातार एक साइकिल है, इसमें हमें इसको हमेशा मूल्यांकन करते रहना होगा। पर अभी वर्तमान में हम बिजली सरप्लस की स्थिति में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी श्री सिंगाजी महाराज विद्युत गृह की दूसरी इकाई का इनॉग्रेशन किया है 2 दिन पहले, 2-3 तारीख को, और उसे सिंगाजी जो हमारा प्लांट है उसकी क्षमता 1300 और एक खरगोन आ रहा है, उनके लिए यूनिट तैयार हो रहे हैं और आगामी 2-4 माह में वो भी चालू होने की स्थिति में रहेंगे। तो निश्चित रूप से 2-3 हजार मेगावाट हम ज्यादा बिजली उत्पादन करने की स्थिति में रहेंगे। बिजली उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया गया था पीछे, उस दिशा में उसकी उसको लेकर कोई नीति है? कई संयंत्र तो लगे ही नहीं, अधिग्रहण हो गया भूमि का, लंबे समय तक ये सब चलता रहा, उसको लेकर आंदोलन भी हुए, भूमियां तो उनके पास हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं, नामी गिरामी कंपनियां हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में काम नहीं किया। देखिए मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में जितने हमारे यूनिट हैं अभी भी प्रोडक्शन वहां पर चालू है, और अभी ऐसा कोई अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट अभी है नहीं, परंतु जहां जहां पर भूमि अधिग्रहण करके और कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, अब जो काम का समय सीमा थी उसका काम नहीं किया है, तो उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं कि ऐसे यूनिट के लिए जानकारी खरीदी जाए। बिल्कुल, खासतौर से बिजली में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी काफी कमी है, ये विभाग आपका उससे जूझ रहा है, काफ़ी कमी है, और इसमें कई तरह की दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं लोग, वो पूरी तरह से विकलांग हो गए हैं, उनके जीवन भी चला गया है लेकिन उनके परिवारों को और इस तरह की चीज़ें भी उसका लाभ भी नहीं मिला। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को कि हमारी सरकार इसमें जल्दी कदम उठाने जा रही है। 2002 से लेकर 2012 तक जो ऑन ड्यूटी विद्युत एक्सीडेंट से अगर किसी की मृत्यु हुई उसके परिवार के लोगों को परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, परंतु ऐसे कर्मचारी जिनकी
उस समय दुर्घटना से विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हुई, ऑन ड्यूटी मृत्यु नहीं हुई, तो और उनकी कई अन्य कारणों से चाहे दुर्घटना में हुई हो चाहे नेचुरल डेथ हुई, उनको जो परिजन थे उनको वो लाभ नहीं मिला है। उसके लिए हम लोग नीति लेके आ रहे हैं और जल्दी उसको लागू करेंगे और उन सब परिजनों को लाभ देंगे। सामाजिक न्याय एवं विकास मंत्री, मैं चाहूंगी कि उनका भी स्वागत किया जाए और पुष्प गुच्छ के साथ मैं चाहूंगी कि और मनोज सराब दोनों ही उनका स्वागत करें हमारे मंत्री जी के लिए। और चर्चा का क्रम आगे बढ़ा था और हमारे बीच हमारे मेहमान भी मौजूद हैं श्री लखन गंगोलिया, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विकास मंत्री, और अब उनसे भी सवालों का दौर शुरू होगा, चर्चा शुरू होगी। रिजवान सर और मनोज सर, पहले मैं चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्री से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आप, तो आप अपना सवाल दीजिए। नमस्कार, मैं मंजू शर्मा सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करती हूँ भोपाल में। मेरा एक प्रश्न ये है कि 2007 में मैंने एक स्टडी की थी एमपीवी डिपार्टमेंट का, जो लाइट्स को लेके बड़ी प्रॉब्लम थी रूरल एरिया में, तो मैंने जितने भी अपने प्रोडक्शन सेंटर हैं एमपी के उनका मैंने विजिट किया, जो हमें कर्मचारी थे उनसे मैंने काफी बात हुई, उसका जो निचोड़ था वो ये निकल कर आया था कि हमारे जितने भी ग्रिड है उनका प्रोडक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको प्रॉपर में जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। लाइट की समस्या इसलिए नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, लाइट की समस्या एमपी में इसलिए है कि प्रोडक्शन को प्रॉपर में मैनेज नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रोडक्शन दोनों मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन का होना चाहिए वो निकल कर आया। दूसरा मेरा एक प्रश्न और सुझाव दोनों है कि हमने एमपीवी को कंपनीज में डाइवर्ट किया, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो आज भी 25 से 30 साल पुरानी आपको लाइनें, खंभे और ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे जो जन के लिए बहुत बड़ा हानि है। लाइट जाना गुल होना वो तो इशू है ही, लेकिन उससे जो जन हानि है और आग वगैरह जो आगजनी होती है ये बहुत बड़े चैलेंज है सरकार। तो आपकी सरकार क्या नई योजना लेकर आ रही है, नीति लेकर आ रही है, बताइए। जैसे आप ट्रांसमिशन लॉस की बात कर रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो हम लोग कहते हैं उन्हीं उनके बारे में, यदि एक तो हमारे साथ बड़ी भारी चुनौती हमारे देश में कि हमारे यहाँ हम लोग कोयले पे आधारित बिजली प्रोक्योर करते हैं ज्यादातर, और जितने भी हमारे कोयले के ठिकाने हैं ठिए हैं सब पूर्वी क्षेत्र में है, हमें लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें पश्चिमी क्षेत्र तक डालनी पड़ती हैं। अब ये एक एक नैसर्गिक स्थिति है ऐसी, इसको मैं इसको कोई भी इसका करेक्शन मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व में कोयला है वहां पे हम प्लांट डालते हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और उसका हमें जो पैसा बचता है उससे वायबिलिटी हमारी उन प्लांट की वहां पे ज्यादा बन जाती है, और पश्चिमी क्षेत्र में प्लांट की कमी होने के कारण जितना बिजली का उपयोग या बिजली की जितनी खपत है वो ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में, तो हमें लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को के माध्यम से इसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से लाना पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र में मात्र एक सिंगाजी महाराज का प्लांट है जहां से बिजली उत्पादन होता है, और अब एक एनटीपीसी का नया प्लांट खरगोन में आ रहा है वहां पे भी बिजली का उत्पादन होगा, तो निश्चित रूप से उससे थोड़ी कमी तो आएगी पर टोटली हम लोग नहीं कर सकते इस बात को, क्योंकि टोटल में हम लोग ठीक हो जाएंगे। अब इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरण योजना ऊर्जा का जो जो स्रोत है हम पश्चिमी क्षेत्र में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उससे भी हम लोग बिजली लेने का प्रयास करेंगे। साथ साथ ही जो पुरानी लाइन है और जो इसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है तो निश्चित रूप से इसकी सुझाव आपका अच्छा है, इसके लिए भी योजना तैयार करके उसको भी सही करने का प्रयास करें। इसको लेकर कई तरह की चीजें जैसे कंडक्टर वो जो खरीदे गए वायर खासतौर से खरीदे गए फिर दूसरे खुले हुए वायर, इस तरह की चीजें कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियां पीछे थे जब विपक्ष थे, आप लोग इस तरह के बहुत सारे सवाल आप उठाते रहे, लेकिन अब क्या सरकार में आने के बाद वो सब याद रहा भी है? इस तरह की कंपनियां कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं जिससे अभी भी सप्लाई जारी है, क्या इस पर कुछ करेंगे आप?
सवाल है मध्य प्रदेश का, आप जैसे यंग युवा और एक एनर्जेटिक व्यक्ति, इस समय ऊर्जावान व्यक्ति के पास ऊर्जा है। अभी हम और रिजवान भाई जब छिंदवाड़ा गए थे तो कमलनाथ जी ने एक बहुत नई बात वहां हम लोगों को बताई थी कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां बिजली स्टोर की जाएगी। उस दिशा में आप कहां बढ़ रहे हैं, क्या जानकारी है, वो हम अवगत कराना चाहेंगे। देखिए फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी को बहुत अनुभव है इस क्षेत्र का। मुख्यमंत्री जी पावर मिनिस्टर रहे हैं भारत सरकार में और उनका जो पूरा अनुभव है उसका हम लोग लाभ ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने पावर बैंकिंग के ऊपर स्ट्रेस किया है, हम पावर बैंकिंग फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं और जो पावर मैनेजमेंट कंपनी हमारी वो इसकी कार्य योजना तैयार करने में लग रही है। और मैं मानता हूं कि अभी शायद लोकसभा की आचार संहिता एक या दो दिन में लग जाएगी, पर उसके बाद हम आपके पास एक पावर बैंकिंग का एक पूरा मॉडल लेके आ रहे हैं और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां पावर बैंकिंग, क्योंकि देखिए पावर डिमांड पे होता है, हम ऐसा बिजली को बैंक अकाउंट में नहीं रखा जा सकता। ये तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी सप्लाई उसी समय में जरूरी है, पर जब हमारी ऐसे समय आते हैं, खासकर जनवरी फरवरी का समय, एंड ऑफ दिसंबर जनवरी और फरवरी का समय जब हमारी पावर डिमांड बहुत ऊपर चली जाती है। और आपने इस साल देखा होगा जनवरी के दूसरे सप्ताह में, प्रथम और दूसरे सप्ताह में 14,000 मेगावाट पार, मतलब 14,000 मेगावाट की सीमा को पार किया हमारी डिमांड ने, हमारी प्रदेश की डिमांड ने। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी और मैं पूरी ताकत के साथ आज ये कहना चाहूंगा हमने उस चुनौती को पूरा किया और हमने 14,000 मेगावाट बिजली सप्लाई मध्य प्रदेश में की। सर मेरा अब जैसे ये अभी डिमांड घट रही है, लगभग लगभग अगर आज का आंकड़ा आप मानेंगे तो 12-13 हजार के आसपास आ गया है। और मार्च के जैसे जैसे ये सीजन कृषि का सीजन समाप्त होता जाएगा वैसे डिक्लाइन की तरफ जाएगी। इस समय में अगर हम पावर बैंकिंग कर लें तो हमें जो हमारे पीक टाइम रहता है जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तब सप्लाई उसको कर सकते हैं, उससे निश्चित रूप से बिजली की कीमत भी कम होगी और हम सही तरीके से कोशिश करती है कि ये विवाह सम्मेलन के साथ हो, जबकि हमें लगता है कि सरकार शायद एक सम्मान के साथ करने के लिए इस दिशा में क्या। देखिए रिजवान जी बहुत स्पष्ट है कि हमारे वचन पर दुण 26,000 से 51,000 का हमने वचन दिया था और जिसने माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके एक घंटे के अंदर मुख्यमंत्री की हैसियत से जो हस्ताक्षर लिए थे आदेश थे उसमें पहला था यदि हम व्यक्तिगत तौर पर करते थे तो फर्जी वाला को रोक नहीं पाते, कोई व्यक्ति आगे के आधार पर पैसा निकाल सकता था। तो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ये किया कि वैसा भी नहीं कि सम्मेलन में जो करा है तो जो 26,000 मिलते थे 26,000 की सामग्री में जोड़ देते थे, जो जेवर होते थे बहुत शिकायत पिछली सरकार के समय में की थी कि पायल गलती देगी या 3,000 का पलंग 6,000 जोड़ लिया इस टाइप की जो बंदर मार्ट होती थी उसको हम कुछ कहते लगे और जो बासों में जिनको मदद चाहिए उनको मिल पाए तो सीधे ये किया कि 48,000 सीधे सीधे उस बच्ची के खाते में जाएंगे
जिसका विवाह हुआ और इसका हमको बहुत फायदा भी हमको समझ में आ रहा है कि समाज को पब्लिक को कैसे चलेगा। अभी के हमारे जितने आयोजन तीन दिन पहले शिवनी में 2796 सदानियां आप सोचिए कि अपने आप में रिकॉर्ड और हर धर्म की हुई बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे सनातन से लेके मुस्लिम निकाय भी अकेले शिवनी में नहीं छिंदवाड़ा में 14 उठा गया उसी दिन रीवा में 14,56 उठा गया ये आंकड़े ये पहले कभी नहीं होता था। लोगों का एक विश्वास आया गरीब लोगों का ये लगा कि हमारे बच्चों के भी हाथ पीले हो सकती है आयोजन में जो खर्च आता है खाने से लेके उनकी सारी व्यवस्था तो ये फायदा से ये हुआ इसलिए हम समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा आम जनमानस के लिए उपयोगी हो रहा है। आपका विभाग एक और विभाग और आप महाकौशल से ध्यान जब उनसे आते हैं नशा खासतौर पर आपकी अपनी विधानसभा नशे से भगत रहे और वो नशा जो बेहद घातक है और जो अवैध नशा आपके विभाग में यही इस तरह के नशे की लत में जो फंस जाए अगर वो निकलना भी चाहे तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर इसलिए वो निकल नहीं पाता और अपने घर के बर्तन तक बेच देता है। इसके लिए आप कहां भाई किस तरह से लखन जी इसमें एक सप्लीमेंट और है इस तरह से कुछ जो सेंटर बने हैं रिहैबिलिटेशन के लेकिन वहां वो काम नहीं हो रहा है बल्कि उनके नाम पर एक बड़ा बजट आपके लोगों के द्वारा दिया जा रहा है और वो कागजों पर लोगों को मिल रहा यानी जिन निशक्त जनों के लिए काम किया जा रहा था उनको लाभ नहीं मिला उनके नाम पर कुछ लोग लाभ जरूर दे रहे हैं साहब कह रहे हैं कि आपने इन तमाम तरीकों को रोकने का प्रयास किया तो रिजवानी के सवाल के साथ क्या इसी तरह हम ध्यान है जिसमें इसमें के बोर्ड भी का एग्जाम नेटवर्क की टैबलेट और यहां तक होता है आयोजन होती है और साइकिल का पंचर जोड़ने वाला सलूशन होता है ये सब इस श्रेणी में आते हैं। सबसे घातक होता है इसमें करना था और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में एक तरीके से ये बहुत तेजी से बढ़ा है क्योंकि जबलपुर शहर से मैं जिस विधानसभा से आता हूँ और ये पूरे समय लड़ाई लड़ता रहा नशे के खिलाफ इन नशों के कारण छोटा से छोटा अपराध और बड़ा से बड़ा अपराध होता है। यदि आप बड़े अपराध के पीछे कहीं जाए कारण तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा कि ये समय का सेवन की है चैन स्नेच की घटना जितनी होती है वो इससे प्रभावित होती है नशे के पीछे एक ये कारण भी होता है। दूसरा अकेले वो परिवार नहीं जिसके परिवार का बच्चा नशे के द्रोणों से लिप्त होता है बल्कि वो पूरी बस्ती रोज मरती घर के बाहर आप साइकिल खड़ी नहीं कर सकते घर के बाहर के बल्ब गायब होते नलों की टोटियां गायब हो जाती बर्तन बिगड़ने लगती और ये बड़ा अजीब टाइप का नशा है। ये नशा करने वाला कहीं भी अपनी जान जोखिम में डाल और इतने पैसे की व्यवस्था करेगा कि जितनों को नशे की चापा पकड़ी और ये बहुत तेजी से पला फूला है और महाकोटा का एरिया में ये ज्यादा था जबलपुर नर्सिंग को कटनी ये